And the last point in SF505 is that what if the management refuses to seek external confirmation? बिकॉज ऑब्वियसली जब हम थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेंगे तो बिना मैनेजमेंट की परमिशन के नहीं ले सकते, पहले अपने को मैनेजमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। और उस सिचुएशन में अगर मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि तुम्हें एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं लेना है, तो क्या करेंगे? फिर से मैनेजमेंट से रीजन पूछेंगे, वैलिडिटी ऑफ ग्राउंड देखेंगे। मान लो थर्ड पार्टी से डिस्प्यूट चल रहा है मैनेजमेंट का, एंड वहां पर अगर अपन कंफर्मेशन लेते हैं दैट माइट एडवर्सली अफेक्ट द डिस्प्यूट, फिर अपन एविडेंस लेंगे कि जो मैनेजमेंट कह रहा है सही कह रहा है कि नहीं कह रहा। अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए बोलेंगे मैनेजमेंट को राइटिंग में लिख के दो, रिक्वेस्ट लिख के दो, डॉक्यूमेंट करेंगे सब कुछ बराबर से। एंड फाइनली ऑब्वियस सी चीज़ है, अगर मैनेजमेंट मेरे को कंफर्मेशन लेने नहीं दे रहा तो मेरे को ऑर्डिनरी प्रोसीजर्स परफॉर्म करना पड़ेगा, तो आई माइट डिस्क्लेम द ऑडिट रिपोर्ट, आई माइट डिस्क्लेम द ऑडिट रिपोर्ट। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कंसिडर वैलिडिटी ऑफ ग्राउंड्स फॉर सच ए रिफ्यूजर। एग्जाम्पल, इफ अ डिस्प्यूट इज गोइंग ऑन विद द क्रेडिटर्स, प्रैक्टिस मैनुअल का ही एग्जाम्पल है। मैनेजमेंट हैज रिफ्यूज्ड एज इट माइट एडवर्सली अफेक्ट द नेगोसिएशन बिटवीन द एंटिटी एंड द क्रेडिटर, तो ऑडिटर शुड पे हिट टू द मैनेजमेंट रिक्वेस्ट, बट एट द सेम टाइम द ऑडिटर शुड ऑब्टेन एविडेंस टू सपोर्ट द सेम। ऑडिटर शुड आस्क द मैनेजमेंट टू सबमिट हिज इट्स रिटन रिक्वेस्ट। तो क्या करेंगे हम लोग? शुड आस्क द मैनेजमेंट टू सबमिट द रिटन रिक्वेस्ट गिविंग द डिटेल्स ऑफ द रीजन्स फॉर सच ए रिक्वेस्ट। इफ द ऑडिटर एग्रीज टू द मैनेजमेंट रिक्वेस्ट, डॉक्यूमेंट द रीजन्स, अप्लाई ऑर्डिनेटिव प्रोसीजर्स, एंड इफ द ऑर्डिनेटिव प्रोसीजर्स कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, वो क्या करेगा? डिस्क्लेम कर देगा अपने ऑडिट रिपोर्ट को। अगर वो ऑर्डिनेटिव प्रोसीजर्स भी परफॉर्म नहीं कर पाया, वो क्या करेगा? डिस्क्लेम कर देगा अपने ऑडिट रिपोर्ट को। नेक्स्ट वी हैव एस ए 510, दैट इज इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स ओपनिंग बैलेंसेज। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स ओपनिंग बैलेंसेज, अब नाम से क्या लग रहा है? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, मेरा पहला पहला ऑडिट एंगेजमेंट, ऐसा नाम से लग रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब है, इसका मतलब है इन द प्रीवियस ईयर या तो मैंने ऑडिट नहीं किया था या फिर ऑडिट किसी दूसरे ऑडिटर ने किया था। तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब है कि प्रीवियस ईयर ऑडिट वॉज नॉट डन और डन बाय प्रीडिसेसर ऑडिटर। तो इसलिए कहता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। अब यहां पे मुझे क्या करना है? मुझे चेक करना है ओपनिंग बैलेंसेस को, मुझे चेक करना है ओपनिंग बैलेंसेस को, और देखना है कि ओपनिंग बैलेंसेस में कहीं कोई मैटरल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, और मुझे ये देखना है कि ओपनिंग बैलेंसेस में जो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो हो रही हैं वो कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही। तो मुझे क्या देखना है उस सिचुएशन में? पहले एप्लीकेबल कब होगा ये स्टैंडर्ड? जब वो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन देगा कि पिछले साल ऑडिट मैंने नहीं किया था या ऑडिट किसी और ने किया था। अब मैं क्या चेक करूंगा ओपनिंग बैलेंसेज में? दो चीज़ें चेक करूंगा। पहला चेक करूंगा मैटरल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है विच इज़ हैविंग ए इम्पैक्ट ऑन द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच इज़ हैविंग ए इम्पैक्ट इन द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट? तो मैं क्या चेक करने वाला हूँ? मेटल मिस स्टेटमेंट चेक करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि इसका इम्पैक्ट है क्या। और फिर मैं देखने वाला हूँ अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट है या नहीं है। और अगर मुझे दिखाई दिया कि मिस स्टेटमेंट्स हैं, अगर मुझे दिखाई दिया कि मिस स्टेटमेंट्स हैं और उसे करेक्ट नहीं की जा सकती, मैं क्या करूंगा? क्वालिफाइड एडवर्स रिपोर्ट इशू करूंगा। लेकिन मुझे लगा कि मिस स्टेटमेंट्स करेक्ट की जा सकती हैं, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट इशू करूंगा। बट एट द सेम टाइम आई विल ऑल्सो इंक्लूड द मैटर इन द अदर मैटर्स पैराग्राफ। क्या करूंगा मैं? इंक्लूड इन अदर मैटर्स पैराग्राफ, ओ एम पैराग्राफ। अगर मुझे लगे अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं हो रही, तब भी मैं क्या करूंगा? क्वालिफाइड एडवर्स रिपोर्टिंग करूंगा। और अगर मुझे इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल पा रहा तो मैं डिस्क्लेम कर सकता हूं वहां पे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्क्लेमर एज वेल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज अपने को 510 में याद रखनी है, दैट इज इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स ओपनिंग बैलेंसेस। नाउ ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स, क्या मतलब है एनालिटिकल प्रोसीजर्स का? क्या मतलब है एनालिटिकल प्रोसीजर्स का? देखते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स का क्या मतलब है। अब देखना, एनालिटिकल प्रोसीजर्स एक टेक्निक है जहां पे आप डिटेल्ड वाउचिंग नहीं करोगे, डिटेल्ड वाउचिंग नहीं करोगे, सिर्फ आप कंपैरिजंस करोगे। क्या करोगे? कंपैरिजंस करोगे, और कंपैरिजंस करके आप गलतियां निकालोगे। फॉर एग्जांपल, आपने देखा 2014-15 का जीपी रेशियो
20% है। तो आइडियली आपने एक एक्सपेक्टेशन माइंड में सेट करी होगी कि 15-16 का जीपी रेशियो कैन बी 2% का ऊपर नीचे हो सकता है, या तो 22 हो सकता है या 18 जा सकता है। लेकिन आपने देखा, सडनली आपने देखा कि एक ड्रास्टिक चेंज है, ड्रास्टिक चेंज है। 14-15 का जीपी रेशियो 20% था, 15-16 का जीपी रेशियो सडनली 12% आ गया है। एक ड्रास्टिक चेंज है, ड्रास्टिक डिक्लाइन है। आप क्या करोगे? फर्दर इन्वेस्टिगेट करोगे, फर्दर इन्वेस्टिगेट करोगे एंड लुक फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर फ्रॉड्स। तो एनालिटिकल प्रोसेसेस एक वंडरफुल टेक्निक है जहां पे आप क्या करोगे, इवैल्यूएट करोगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, इवैल्यूएट करोगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को थ्रू एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा। फॉर एग्जाम्पल, 10 लेबर्स कंपनी में हैं, एक लेबर दिन में 8 यूनिट का आउटपुट देता है, और एक लेबर को हम दिन की, मान लीजिए, 1,000 रुपये की तंखा देते हैं, यानी महीने की 30,000 रुपये की तंखा थी, और उस 30,000 के तंखा के बदले वो मेरे को दिन में कितना बनाता है, 8 यूनिट का आउटपुट देता है, यानी उस 30,000 रुपये के तंखा के बदले वो मेरे को 240 यूनिट का आउटपुट देता है। आइडियली मेरे पास 10 वर्कर्स हैं, यानी कि मेरा 3 लाख का आउटफ्लो हो रहा है, और 3 लाख के आउटफ्लो के बदले, 3 लाख के आउटफ्लो के बदले मेरे को 240 × 10 2400 यूनिट्स का आउटपुट मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 2400 यूनिट्स का आउटपुट मिलना चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि वेजेस तो उतनी जा रही है, मैन पावर भी इतना यूज हो रहा है, लेकिन आउटपुट उतना नहीं आ रहा। तो इसका मतलब मेरे दिमाग में शक आएगा कि जब मैन पावर उतनी लग रही है, मैन पावर का कॉस्ट उतना लग रहा है, तो आउटपुट उतना क्यों नहीं आ रहा। मेरे दिमाग में शक आएगा, मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा, पता चलेगा उन्होंने डुप्लीकेट मैन पावर दिखा रखा था, मतलब फिक्चुअस मैन पावर दिखा रखा था। तो दिस इज अ वंडरफुल टेक्निक जहां पर आप कंपेरिजन करोगे, रेशियो एनालिसिस करोगे, और ये कंपेरिजन किसके साथ करोगे? प्रायर बजट्स, प्रायर पीरियड्स बजट्स, सिमिलर इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप वोडाफोन के ऑडिटर हो तो आप देखोगे कि अरे यार, वोडाफोन ने टावर्स लगाए, इतना खर्चा लगा, रिलायंस ने टावर्स लगाए, कम खर्चे में कैसे हो गया, क्या प्रॉब्लम है? तो क्या करोगे? सिमिलर इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन से कंपेयर करोगे। इससे आपको क्या होगा, इस एनालिटिकल प्रोसीजर से क्या होगा, आप इन्वेस्टिगेट कर पाओगे अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस, रेशियोज और ट्रेंड्स को एनालाइज कर पाओगे, और ओवरऑल रिस्क को ये कम करेगा। चार फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है वेल परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स। सबसे पहले सुटेबिलिटी, कि आप जो कंपैरिजन कर रहे हो वो सुटेबल है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स होता है, ये सुटेबल होता है हमेशा प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप के केस में, प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप के केस में। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम का ही क्वेश्चन है, पेरोल, रूम रेंटल इनकम। अब पेरोल के केस में पहले से आपके पास एंटिसिपेटेड होता है कि हाउ मच इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, उनकी कितनी तनख्वाहें हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, उनका फिक्स्ड रेट ऑफ पे क्या है। तो बहुत आसानी से आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इतना होना चाहिए, उनका टोटल एस्टिमेटेड पेरोल का वेजेस का रेट इतना होना चाहिए। अकॉर्डिंगली आप उसे एस्टिमेट लगा सकते हो कि टोटल पेरोल कितना बनना चाहिए, एंड देयर बाय यू डोंट नीड टू परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, एंड इट बिकम्स अ टूल फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क। सिमिलरली रूम रेंटल इनकम, आपको पता है नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, आपको पता है ऑक्यूपेंसी कितनी है, आपको पता है वैकेंसी कितना है, आपको पता है टैरिफ रेट्स कितना है, तो आप इजिली एस्टिमेट लगा सकते हो कि टोटल रूम रेंटल इनकम कितना बनना चाहिए, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द वैकेंसी रेट्स, एंड आप क्या कर सकते हो, ओवरऑल रिस्क को कम कर सकते हो और एनालिटिकल प्रोसीजर्स यहाँ पे यूज कर सकते हो। फिर आप देखोगे रिलायबिलिटी, कि जो डाटा आप यूज़ कर रहे हो रिलायबल है कि नहीं है, इन्फॉर्मेशन का सोर्स रिलायबल है कि नहीं है, इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है कि नहीं है, और इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल भी है या नहीं है। फिर आप डेवलप करोगे, जब भी कंपेयर करोगे आप डेवलप करोगे एक्सपेक्टेशन। फॉर एग्जाम्पल लिया था हमने कि 20% जीपी था, मैंने एक्सपेक्टेशन डेवलप करी 2% अप डाउन हो सकता है, 18 पहुंच सकता है, 22 पहुंच सकता है। अगर विथ इन द एक्सपेक्टेबल लेवल ऑफ रेंज है इग्नोर करूंगा, लेकिन बियॉन्ड द एक्सपेक्टेबल ऑफ लेवल ऑफ रेंज है इन्वेस्टिगेट करूंगा। तो चार फैक्टर्स हैं जिसका मेरे को ध्यान रखना है, कंसिडर करना है वेल परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स: सुटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, एक्सपेक्टेशंस, डिफरेंस। दिस इज ऐसे 520। ओके, अब हम देखेंगे 580, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन।
रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट मेरे को राइटिंग में लिख के दे रहा है, मेरे को नहीं ऑडिटर को, मैनेजमेंट ऑडिटर को राइटिंग में लिख के दे रहा है, एक डिक्लेरेशन देख के दे रहा है टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला क्या मैनेजमेंट, क्या तुमने मुझे सारे रिलेटेड पार्टीज के बारे में बता दिया है? मैनेजमेंट ने बोला हाँ बता दिया है, प्लीज गिव मी इन राइटिंग कि तुमने मेरे को सारे रिलेटेड पार्टीज के बारे में बता दिया है. क्या तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट FRF के हिसाब से बनाया है? मैनेजमेंट ने बोला हाँ, प्लीज गिव मी इन राइटिंग टू कंफर्म योर अजम्पशन कि हाँ भैया तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट FRF के हिसाब से बनाया है. राइट. अब दो सिचुएशंस यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस आप याद रखोगे, रिटन रिप्रेजेंटेशन इज एन ऑडिट एविडेंस फॉर द पर्पज ऑफ SF500, बट इट इज ओनली एन एडिशनल ऑडिट एविडेंस. वो सिर्फ एक एडिशनल ऑडिट एविडेंस है, वो सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है. इसका मतलब ऑडिटर सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर रिलायंस नहीं प्लेस कर सकता. ऑडिटर सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बेसिस में रिलायंस प्लेस नहीं कर सकता. अगर उसने सिर्फ और सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के ऊपर अपना रिलायंस प्लेस कर दिया, ही विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. याद रखना, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, किसी भी स्टैंडर्ड के किसी भी रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं करोगे, यू विल ऑलवेज बी डीम्ड टू बी गिल्टी अंडर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है. दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क कर रहा हूँ साथ साथ, ये वाले पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड WR, अगर मैनेजमेंट मेरे को WR प्रोवाइड करने से मना करता है, मैं मैनेजमेंट से डिस्कस करूंगा. मैनेजमेंट मेरे को राइटिंग में नहीं दे रहा, इसका मतलब मुझे मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी में शक होगा, मैं मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पर डाउट करूंगा एंड आई माइट डिस्क्लेम माई ऑडिट रिपोर्ट. तो मैं क्या करूंगा, अगर मैनेजमेंट ने मेरे को WR नहीं दिया, डिस्कस करूंगा मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी को रिवैल्यूएट करूंगा, फर्दर एक्शंस लूंगा एंड आई माइट कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्क्लेमर. तो ये चीजें मुझे ध्यान रखनी है 580 के अंदर. अब हम बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड में जाने वाले हैं, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड में जाने वाले हैं, जो बेस बनेगा हमारे काफी सारे स्टैंडर्ड्स के लिए. SF315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट. स्टैंडर्ड का नाम क्या है, मुझे क्या करना है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है. कैसे करना है, एंटिटी को समझ के करना है. तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले एंटिटी को समझना है, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझना है, ताकि मैं रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाऊँ. मुझे एंटिटी को आइडेंटिफाई करना है, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है, एंटिटी के एनवायरनमेंट को समझना है, ताकि मैं रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाऊँ. ओके. तो जब भी मैं ऑडिट करने जाऊंगा ना, सबसे पहले मैं क्या करूंगा पता है, सबसे पहले मैं एंटिटी को अंडरस्टैंड करूंगा. अरे भाई, एंटिटी का मैनेजमेंट कौन है भाई, शेयर होल्डर्स कौन है भाई, दोस्त चार्जल गवर्नेंस कौन कौन है भाई, कौन से लॉज रेगुलेशंस फॉलो करना है भाई तेरे को, कहाँ का तूने इन्वेस्टमेंट डाल रखी है. तो एंटिटी को अंडरस्टैंड करूंगा और एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को बराबर से समझूंगा, बिकॉज एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझकर मुझे रिस्क का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा. अगर मेरे को दिखाई दिया कि कंट्रोल्स में लोचा है, इसका मतलब रिस्क ज्यादा है. अगर मेरे को दिखाई दिया कि कंट्रोल्स अच्छे हैं, इसका मतलब रिस्क कम है. तो मैं समझूंगा एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में 5 चीजें समझूंगा. देर आर 5 कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. जिन लोगों ने इसका किया है आपको एक क्वेश्चन मिला होगा, कोजो फ्रेमवर्क. वहाँ 5 कॉम्पोनेंट्स होते हैं, वही 5 कॉम्पोनेंट्स हैं. और जिन लोगों ने नहीं किया है, कोई बात नहीं, आप ऐसे याद रखो, CA का एम ही है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझना. यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के 5 कॉम्पोनेंट्स जो आप याद रख सकते हो, CA का एम, C4 कंट्रोल एनवायरनमेंट, A4 एक्टिविटीज कंट्रोल एक्टिविटीज, उसके बाद आर से वापस से ए से असेसमेंट प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, आई से इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एम फॉर मॉनिटरिंग. तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के 5 कंपोनेंट CA का एम, सबसे पहले सी से कंट्रोल एनवायरनमेंट, ए से एक्टिविटीज कंट्रोल एक्टिविटीज, आर से असेसमेंट प्रोसीजर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, आई से इंफॉर्मेशन सिस्टम, एम फॉर मॉनिटरिंग. कंट्रोल एनवायरनमेंट यानी वहाँ के लोग अच्छे हैं कि नहीं, वहाँ की कल्चर अच्छी है कि नहीं है. कंट्रोल एक्टिविटीज यानी कि वहाँ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बराबर है कि नहीं है, अकाउंटेबिलिटी वगैरह है कि नहीं है. इन्फॉर्मेशन सिस्टम मतलब कि वहाँ का इन्फॉर्मेशन सिस्टम बराबर है कि नहीं. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स मतलब क्या उन्होंने वैसे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स बना रखे हैं जो एंटिटी के रिस्क को आइडेंटिफाई कर ले. एंड मॉनिटरिंग मतलब प्रॉपर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को आइडेंटिफाई करूंगा, उसके बाद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझने के बाद रिस्क को आइडेंटिफाई करूंगा. अब रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं करूंगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स. और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एक ऐसा टर्म है जो आपको ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड में मिलेगा.
ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में कुछ चीज़ें कॉमनली आती हैं, जैसे रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे, अपन ऑब्जर्वेशन करेंगे, अपन थर्ड पार्टी से इंक्वायरी करेंगे, एंड अपन एनालिटिकल प्रोसीजर्स करेंगे। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एक बहुत ही डायनेमिक टर्म है, स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड ये चेंज होते रहेगा। जैसे कि जब हम फ्रॉड वाला स्टैंडर्ड करेंगे, फ्रॉड वाला स्टैंडर्ड, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वहां पे इंक्लूड करेगा फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। क्या इंक्लूड करेगा? फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में अपने को रिस्क आइडेंटिफाई करना है, मेनली चार चीज़ें कॉमन है, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करना, दोस्त ट्रस्ट विद गवर्नेंस से इंक्वायरी करना, अदर से इंक्वायरी करना, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब रिस्क का मतलब क्या? रिस्क बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमें डिस्कस करना है। रिस्क का मतलब क्या? ऑडिट रिस्क का मतलब होता है रिस्क दैट एन ऑडिटर में इश्यू एन इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन वैन देर इज ए मेटरल मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि मेटरल मिस स्टेटमेंट थे, मेरे को देना चाहिए था क्वालिफाइड या एडवर्स, मैंने दे दिया क्लीन रिपोर्ट, दैट इज द रिस्क। अब यहां पर तीन टाइप्स के रिस्क हैं। क्या है? तीन टाइप्स के रिस्क हैं। एक है इनहेरेंट रिस्क, एक है कंट्रोल रिस्क, एक है डिटेक्शन रिस्क। एक है इनहेरेंट रिस्क, एक है कंट्रोल रिस्क, एक है डिटेक्शन रिस्क। मुझे क्या करना है? मुझे रिस्क का अंदाज़ा लगाना है और रिस्क को कम करने की कोशिश करनी है। रिस्क का अंदाज़ा लगाना है और रिस्क को कम करने की कोशिश करनी है। अब याद रखना, जो इनहेरेंट रिस्क है और कंट्रोल रिस्क है, ये अराइज होता है एट द लेवल ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट इज रिलेटेड विद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। जबकि जो डिटेक्शन रिस्क है, दिस अराइजेज एट द लेवल ऑफ ऑडिटर। बिकॉज द दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द ऑडिटर्स प्रोसीजर्स। तो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क अराइज होगा एट द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जबकि डिटेक्शन रिस्क अराइज होगा एट द लेवल ऑफ ऑडिटर्स। अब इनहेरेंट रिस्क का मतलब क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? याद रखना, इनहेरेंट रिस्क पढ़ते वक्त हम एक एजम्पशन लेंगे। एजम्पशन क्या लेंगे? एजम्पशन ये लेंगे देयर इज नो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। हम एक एजम्पशन लेंगे देयर इज नो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो इनहेरेंट रिस्क पढ़ते वक्त हमने एक एजम्पशन लिया देयर इज नो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। एंड कैन आई से कि बॉस अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करती तो रिस्क ऑफ मेटरल मिस स्टेटमेंट हमेशा एग्जिस्ट करने वाला है? बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे तीन वर्ड्स में हम लोग फोकस डालेंगे, तीन वर्ड्स आप लोग भी साथ साथ रिपीट करोगे। प्रिज्यूमिंग दैट देयर इज नो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, देयर इज गोइंग टू बी ऑलवेज अ रिस्क ऑफ मेटरल मिस स्टेटमेंट इन, तीन वर्ड्स हैं। पहला अकाउंट बैलेंस, दूसरा क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, एंड तीसरा डिस्क्लोजर। तो प्रिज्यूमिंग दैट देर इज नो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, देर विल ऑलवेज बी अ रिस्क ऑफ मेटरल मिस स्टेटमेंट इन अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन और डिस्क्लोजर। अकाउंट बैलेंस मतलब क्या? बैलेंस शीट। क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब क्या? पी एंड एल। डिस्क्लोजर यानी दोनों में डिस्क्लोजर। उसके बाद कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट करती है मगर किसी काम की नहीं है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? रिस्क ऑफ मेटरल मिस स्टेटमेंट को हमारा कंट्रोल सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये डेफिनेशन क्या बना? The risk of material misstatement existing in account balance or class of transaction or disclosure will not be prevented, detected or timely corrected by the internal control system. और detection risk auditor से related है। Detection risk में क्या लिखा है कि ऑडिटर ने तो सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करा था, बट सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद भी वो रिस्क ऑफ मेटरल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, डिटेक्ट नहीं कर पाया इन अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन एंड डिस्क्लोजर। तो डिटेक्शन रिस्क इज द रिस्क दैट इवन द ऑडिटर सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स विल फेल टू डिटेक्ट रिस्क एग्जिस्टिंग इन अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन एंड डिस्क्लोजर। तो कैन आई से कि ज्यादा सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करके ऑडिटर डिटेक्शन रिस्क को कम कर सकता है? द आंसर इज येस। ज्यादा सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करके वो अपने डिटेक्शन रिस्क को कम कर सकता है। तो कैन आई से डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर के हाथों में है? येस, डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर के हाथों में है। बट क्या इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क ऑडिटर कंट्रोल कर सकता है? द आंसर इज नो। यानी कि आप सोच के देखो, इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है ऑर्गेनाइजेशन में, कंट्रोल रिस्क ज्यादा है। इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है, कंट्रोल रिस्क ज्यादा है। क्या मैं इनहेरेंट रिस्क को कंट्रोल कर सकता हूं? द आंसर इज नो, कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या मैं कंट्रोल रिस्क को कंट्रोल कर सकता हूं? द आंसर इज नो। क्या मैं अपने डिटेक्शन रिस्क को कंट्रोल कर सकता हूं? येस। तो जब इनहेरेंट रिस्क ज्यादा होगा, जब कंट्रोल रिस्क ज्यादा होगा, मैं सब्सटेंसिव प्रोसेस ज्यादा करूंगा या कम करूंगा? बताओ। जब इनहेरेंट रिस्क ज्यादा होगा, जब कंट्रोल रिस्क ज्यादा होगा, मैं सब्सटेंसिव प्रोसेस ज्यादा करूंगा। जब सब्सटेंसिव प्रोसेस ज्यादा करूंगा तो डिटेक्शन रिस्क क्या हो जाएगा? कम। इसका मतलब एक इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन है। If the inherent risk is high, if the control risk is high, the auditor will perform more audit procedures and reduce his detection risk. Higher the inherent risk and control risk, the more substantive procedures the auditor will perform
and reduce his detection risk to an acceptable low level. And if the auditor cannot reduce his risk to an acceptable low level, he will modify his report. फिर यहाँ पे आईटी रिस्क भी है कि आईटी रिस्क क्या क्या हो सकता है। आप सिर्फ एक हैकर का फ्लो याद रखो कि हैकर आएगा क्या करने वाला है। हैकर आएगा वो मेरे सिस्टम को एक्सेस लेगा, हैकर आएगा वो मैनुअल इंटरवेंशन करेगा, अनऑथराइज्ड एक्सेस लेगा, अनऑथराइज्ड चेंजेस करेगा, जिसकी वजह से माय इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट विल बिकम नॉट रिलायबल। कौन से रिस्क को मेरे को स्पेशली फोकस करना है? फ्रॉड का रिस्क है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन का रिस्क है, रिलेटेड पार्टीज का रिस्क है, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन का रिस्क है। इन रिस्क को मुझे क्या करना है? स्पेसिफिकली फोकस करना है। अब 315 में मैंने रिस्क को रिस्पॉन्ड किया, 315 में मैंने रिस्क को समझा, मैंने रिस्क को आइडेंटिफाई करा। अब मैं क्या करूंगा? 315 में रिस्क को अंडरस्टैंड करने के बाद 330 में रिस्पॉन्ड करूंगा, 330 में रिस्पॉन्ड करूंगा। और ये जो रिस्पॉन्स होगा ये एजर्शन लेवल पे होगा। अब स्टूडेंट्स हमेशा कन्फ्यूज होते हैं, कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल क्या है और एजर्शन लेवल क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का मतलब होता है मैं पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में एज ए होल ओपिनियन दे रहा हूँ, जबकि एजर्शन लेवल का मतलब होता है कि जो मैनेजमेंट ने मेरे को इंडिविजुअल एजर्शंस दिया है अबाउट द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, अबाउट द इंडिविजुअल एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल P&L में लिखा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 50 लाख रुपीज़। तो यानी मैनेजमेंट ने मेरे को इंडिविजुअली एक डिक्लेरेशन, एजर्शन यानी डिक्लेरेशन, मैनेजमेंट ने मेरे को इंडिविजुअली एक डिक्लेरेशन दिया है रिगार्डिंग दैट ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर ऑफ 50 लाख रुपीज़, जिसको मुझे कंफर्म करना है। तो एजर्शन लेवल यानी कि मैं इंडिविजुअली आइटम वाइज कंफर्मेशन दूंगा, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज ए होल में ओपिनियन दूंगा। अब दो तरीके के ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, एक होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, एक होता है सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स मतलब अपने को चेक करना है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बराबर है या नहीं है। अपने को यहाँ पे साथ में 143 सबसेक्शन 3 भी ध्यान रखना है कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बराबर है कि नहीं है, जिसके लिए वो परफॉर्म कर सकता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। और अपने को यहाँ पे ऐसे 265 भी ध्यान रखना है कि अगर ऑडिटर को पता चला कि इंटरनल कंट्रोल वीक है, वो दोस्त ज़्यादा गवर्नेंस को कम्युनिकेट करेगा। और दूसरा होता है सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। अब सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स होता है यानी डिटेल्ड प्रोसीजर्स, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, बैलेंस शीट को देखना, P&L को देखना, जर्नल एंट्रीज को चेक करना, वो होता है सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। तो सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स क्या होता है? ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू डिटेक्ट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट एजर्शन लेवल। सब्सटेंसिव प्रोसीजर में दो चीजें आती हैं, एक होता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स करो, वाउचिंग करो, वेरिफिकेशन करो, जिसमें तीन चीज़ें आती हैं, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर। और दूसरा होता है सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। क्या होता है? सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर, जो हमने 520 में डिस्कस किया। अब देखो, सबसे पहले एज ए ऑडिटर मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने वाला हूँ या सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स करने वाला हूँ? आप बोलोगे सर सबसे पहले हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे। क्यों? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करके मुझे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का आइडिया लग जाएगा, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की इफेक्टिवनेस को जान के मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि मेरे को सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स कितने परफॉर्म करने हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। एक सेंटेंस लिखना मेरे साथ, बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स द ऑडिटर विल डिसाइड द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स द ऑडिटर विल डिसाइड द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। नेचर यानी कि आपको कैसे कौन से टेक्निक्स लगाने हैं, टाइम यानी कब लगाना है, एक्सटेंट यानी सैम्पलिंग बेसिस में लगाना है, डिटेल लगाना है, कैसे लगाना है। अब मेरे को लगा कंट्रोल बहुत रापचिक है, मस्त है, मैं सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ क्या? द आंसर इज नो। ये रिस्पेक्टिव ऑफ द रिस्क असेस्ड, ये रिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, यू विल ऑलवेज हैव टू परफॉर्म सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। यू कैन नेवर एंड एवर एलिमिनेट योर सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। अगर तुम अपने सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स को एलिमिनेट करते हो, इसका मतलब यू आर डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ओके, तो ये क्या है? ऐसे 330 है। तो 315 में मैंने रिस्क को क्या करा? आइडेंटिफाई करा। और 330 में मैंने रिस्क को क्या करा? रिस्पॉन्ड करा। एक और कॉमन स्टैंडर्ड जो जगह जगह आपके काम आता है, ऐसे 320 मैटरलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग दी ऑडिट। मैटरलिटी का मतलब हमने बार बार डिस्कस किया है। मैटरलिटी का मतलब होता है कि कुछ ऐसा जो इन्फ्लुएंस कर सके डिसीजन ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कंपनी का शेयर खरीदा,
सपोज मुझे पता होता कि उस कंपनी में कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई है, कोई 50 लाख का गड़बड़ हुआ है, तो शायद मैं वो शेयर नहीं खरीदता। वो क्या बन जाएगा? मटेरियल बन जाएगा। अब आइटम मटेरियल है कि नहीं वो डिपेंड करेगा अपॉन द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। ऐसा ऐसे 200 में लिखा है। ऐसे 200 कहता है कि एक रिक्वायरमेंट होती है प्रोफेशनल जजमेंट, जिसके हिसाब से ऑडिटर को हर चीज़ डिसाइड करनी होती है। मैटरलिटी हम लोग प्लानिंग के वक्त भी करेंगे, एविडेंस लेते वक्त भी करेंगे, रिपोर्टिंग के वक्त भी करेंगे, हर स्टेज में मैटरलिटी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि एज ए ऑडिटर वी आर कंसर्न विथ मटेरियल आइटम्स, वी आर नॉट कंसर्न विथ इमेटेरियल आइटम्स। अगर कोई मिस स्टेटमेंट अपने को इमेटेरियल मिलता भी है तो अपन क्या करेंगे, उसे इग्नोर कर देंगे। अब मैटलिटी को कैसे डिसाइड किया जाएगा? मैटलिटी को डिसाइड करने का तरीका होता है बेंचमार्क। क्या तरीका होता है? बेंचमार्क। आप क्या करें? आप बेंचमार्क डिसाइड करें। बेंचमार्क क्या होगा? बेंचमार्क बेंचमार्क कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी बैलेंस शीट, इट कैन बी P&L, इट कैन बी अकाउंट्स रिसिवेबल, इट कैन बी अकाउंट्स पेबल, जो आपके लिए मटेरियल है। आप एक बेंचमार्क डिसाइड करो और उसमें परसेंटेज अप्लाई करो। बेंचमार्क डिसाइड करो, उसमें परसेंटेज अप्लाई करो, और ये उससे क्या बन जाएगा? मैटरलिटी लेवल बन जाएगा कि मेरे लिए ये बेंचमार्क है, ये परसेंटेज मुझे चेकिंग करनी है, तो उससे क्या बन जाएगा? मैटरलिटी लेवल आ जाएगा। अब बेंचमार्किंग डिसाइड करने के कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट आर द आइटम्स वेयर अटेंशन ऑफ यूजर में बी फोकस्ड, व्हाट आर द आइटम्स वेयर अटेंशन ऑफ यूजर में बी फोकस्ड। फॉर एग्जाम्पल, यूजर इज ऑलवेज मोर टू फोकस टुवर्ड्स प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स प्रॉफिट, तो मेरे लिए हमेशा बेंचमार्किंग क्या बन जाएगा? प्रॉफिट्स बन जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस बन जाएगा। बट एट द सेम टाइम डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एंटिटी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, नेचर ऑफ एंटिटी है वो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या वो है सेक्शन 8 ऑर्गेनाइजेशन। अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा बेंचमार्किंग प्रॉफिट होगा? द आंसर इज नो। अगर वो सेक्शन 8 कंपनी है तो मैं डेफिनेटली नहीं बोल पाऊंगा कि मेरा बेंचमार्किंग क्या रहेगा? प्रॉफिट रहेगा। डिपेंड करेगा ओनरशिप स्ट्रक्चर के ऊपर, डिपेंड करेगा ओनरशिप स्ट्रक्चर के ऊपर, एंड डिपेंड करेगा वॉलेटिलिटी ऑफ बेंचमार्क के ऊपर। वॉलेटिलिटी ऑफ बेंचमार्क मतलब सेंसिटिविटी ऑफ द बेंचमार्क, वॉलेटिलिटी ऑफ बेंचमार्क मतलब सेंसिटिविटी ऑफ द बेंचमार्क। तो बेंचमार्किंग डिपेंड करेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा। डिटेल्ड एनालिसिस अभी नहीं कर पाएंगे, टाइम कम है। बेंचमार्किंग डिपेंड करेगा 5 फैक्टर्स के ऊपर: एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यूजर का अटेंशन कहाँ कहाँ फोकस्ड है, नेचर ऑफ एंटिटी क्या है, ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द वॉलेटिलिटी ऑफ बेंचमार्क। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या मैं मेटलिटी लेवल को रिवाइज कर सकता हूँ? द आंसर इज येस, मैं मेटलिटी लेवल को रिवाइज भी कर सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्रेस ऑफ द ऑडिट। अगर मेरे को ज्यादा आइटम्स कवर करना है तो मैं अपने मेटलिटी लेवल को कम कर सकता हूँ। टू कवर मोर आइटम्स आई कैन रिड्यूस माई मेटलिटी लेवल, बट आई शैल ऑलवेज एंश्योर, आई शैल ऑलवेज कंसिडर वेदर आफ्टर रिवाइजिंग द मेटलिटी लेवल माई नेचर टाइम एंड एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स विल रिमेन अप्रोप्रिएट। मुझे क्या देखना पड़ेगा? ये देखना पड़ेगा कि मेटलिटी लेवल रिवाइज करने के बाद क्या मेरा नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स अप्रोप्रिएट रहने वाला है। ये चीज मुझे अच्छे से देखनी है, राइट? सो दिस इज मैटरलिटी। एक कॉन्सेप्ट परफॉर्मेंस मैटरलिटी का भी आता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए मुझे क्लास में ब्रेक देना है, मुझे ब्रेक देना है आधे घंटे का, 30 मिनट का। मैं आपको बोलूंगा सर 10 मिनट का ब्रेक है। जब मैं आपको बोलता हूँ 10 मिनट का ब्रेक है, तो मुझे पता है कि बच्चे ऐसे हैं कि अगर मैं 10 मिनट का ब्रेक बोलूंगा तो आधे घंटे तक तो आ ही जाएंगे और मेरा रिस्क खत्म हो जाएगा कि मेरा क्लास मिस हो। लेकिन मैंने आपको 30 मिनट बोल दिया होता ना, आप 1 घंटे में आते, आधे घंटे का क्लास मिस हो जाता। यानी 30 मिनट मेरे लिए मैटरलिटी लेवल था, मतलब मैं 30 मिनट तक का टॉलरेबल टाइम था मेरा, लेकिन 10 मिनट मैंने जानबूझ के कम करके बोला ताकि आप 30 मिनट में तो आ ही जाओ। सिमिलरली मेरा मैटरलिटी लेवल मान लीजिए 10 लाख रुपए है, मैंने एक लोअर लेवल ऑफ मैटरलिटी फिक्स करा 4 लाख रुपए कि ऑल्दो मेरे लिए 10 लाख मटेरियल है, मैं 4 लाख के आइटम्स को भी चेक करूंगा। ऑल्दो मेरे लिए 10 लाख का मैटरलिटी लेवल है, मैं 4 लाख का भी आइटम को चेक करूंगा, तो वो 4 लाख बन जाएगा मेरे लिए परफॉर्मेंस मैटरलिटी। अब हो सकता है मुझे 10 लाख का एक एरर ना मिले, बट 4 लाख के 3 एरर्स मिल जाएं और एग्रीगेट ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स मेरे मैटरलिटी लेवल को एक्सीड कर जाए, एग्रीगेट ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स मेरे मैटरलिटी लेवल को एक्सीड कर जाए। तो क्या होता है परफॉर्मेंस मैटरलिटी? इट इज अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर एट लेस देन द मैटरलिटी लेवल एज ए होल टू एंश्योर दैट एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट इज लेस देन द मैटरलिटी लेवल एंड टू रिड्यूस द ऑडिटर एट एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। अब आप 240 में आ जाएं। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहला सवाल, इज ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स?
is responsible, auditor responsible for the prevention of frauds? The answer is no. It's management's responsibility to ensure ki fraud exist na ho. Auditor responsible nahi hai, nahi hai, nahi hai. Lekin during the course of audit, mujhe kya karna hai? During the course of audit, Asset 200 ek word use karta hai, professional skepticism. Jiska matlab hota, always be alert to the circumstances. During the course of audit, mujhe apna alertness on rakhna hai, mujhe professional skepticism exercise करना है. During the course of audit मुझे अपना alertness on रखना है, मुझे professional skepticism exercise करना है, ताकि अगर मेरे को कोई fraud का पता चले, मैं उसे ignore नहीं करूंगा, consider करूंगा कि उस fraud का क्या impact है और मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करूंगा. यानी ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है फ्रॉड्स को ढूंढ निकालना, हमारी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है कंसीडर्ड फ्रॉड्स को ढूंढना, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मैं अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करूंगा और कोशिश, अगर मेरे को कोई फ्रॉड का पता चले उसे कंसिडर करूंगा, ताकि मैं एक रिजनेबल एश्योरेंस ऑप्टेन कर पाऊं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज फ्री फ्रॉम फ्रॉड्स एंड एरर्स, ताकि मैं एक रिजनेबल एश्योरेंस ऑप्टेन कर पाऊं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज फ्री फ्रॉम फ्रॉड्स एंड एरर्स. तो अगर हम ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखेंगे स्टैंडर्ड के अंदर, तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. सबसे पहले हमें क्या करना है, रिजनेबल एश्योरेंस ऑप्टेन करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम फ्रॉड्स एंड एरर्स. हमें एक रिजनेबल एश्योरेंस ऑप्टेन करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ए होल आर फ्री फ्रॉम फ्रॉड्स एंड एरर्स. उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फॉलो करूंगा. ये क्वालिटी ऐसे 200 में दी गई है, रिजनेबल एश्योरेंस की बात भी ऐसे 200 में की गई है. फिर मैं क्या करूंगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑप्टेन करूंगा. लेकिन ऐसे 200 कहता है, ऐसे 200 कहता है कि काफ़ी सारे इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं ऑडिट में, जैसे कि मेरे पास बजट की कमी है, टाइम की कमी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने बनाया है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैनेजमेंट ने डिज़ाइन किया है, तो बहुत सारे लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से मैं फ्रॉड सारे ढूंढ नहीं पाऊंगा. इसलिए तो कहा गया है कि ऑडिटर सिर्फ रिजनेबल एश्योरेंस देगा, वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देगा. तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे स्टैंडर्ड के अंदर, सबसे पहले मैं रिजनेबल एश्योरेंस ऑप्टेन करूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल इज फ्री फ्रॉम फ्रॉड्स एंड एरर्स. उसके लिए मैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फॉलो करूंगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लूंगा, फिर भी इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से सारे फ्रॉड ढूंढ नहीं पाऊंगा. और दो तरीके के फ्रॉड्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक होता है मैनेजमेंट फ्रॉड, एक होता है एम्प्लॉय फ्रॉड. आप बताओ किसको डिटेक्ट करना ज़्यादा मुश्किल है. रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग ए मैनेजमेंट फ्रॉड ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज मैनेजमेंट कैन ईजली मैनिपुलेट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड बिकॉज मैनेजमेंट इज इन अ यूनिक पोजिशन टू पेनिट्रेट फ्रॉड्स. बिकॉज मैनेजमेंट कैन ईजली मैनिपुलेट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कैन पेनिट्रेट द फ्रॉड्स एंड कैन ओवरराइड द कंट्रोल्स. तीन रीजंस हैं जिसकी वजह से मैनेजमेंट फ्रॉड को डिटेक्ट कर पाना ज्यादा मुश्किल है. फिर हम क्या करेंगे, हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के अंदर वही सारी चीजें आएंगे, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट, दोस्ट चार्जेस, गवर्नेंस, इवैल्यूएशन ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर. अब मेरे को फ्रॉड मिल गया तो मैं उसका इंपैक्ट कंसिडर करूंगा. अब मेरे को शक होगा मैनेजमेंट के रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे, क्योंकि मैनेजमेंट ने मेरे को राइटिंग में लिख के दिया था कोई फ्रॉड है ही नहीं. यानी मैं क्या करूंगा, रिलायबिलिटी ऑफ WR देखूंगा एंड आई विल कम्युनिकेट द मैटर टू द बोर्ड. लेकिन इसके अलावा मेरे को 143 सबसेक्शन 12 के हिसाब से CG को भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा और 143 सबसेक्शन 11 के अलावा कारों में भी रिपोर्टिंग करनी होगी. ठीक है, अब मान लो मुझे बहुत सारे फ्रॉड्स मिल जाते हैं और मुझे लगता है कि बॉस इट इज नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट. अब मैं क्या करूं, मैं डिटरमाइन करूंगा कि क्या मेरे लिए विड्रॉ करना पॉसिबल भी है, और अगर पॉसिबल है तो क्या मेरी कोई लीगल ऑब्लिगेशन बनती है टू रिपोर्ट टू द पर्सन हु अपॉइंटेड मी. तो अगर मुझे लगा कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फ्रॉड्स हैं एंड कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं डिटरमाइन करने वाला हूँ कि क्या मेरी कोई लीगल प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या टू रिपोर्ट टू द पर्सन, एंड क्या मुझे विड्रॉ करना चाहिए, क्या मैं विड्रॉ कर सकता हूँ क्या. और अगर मुझे पता चलता है कि हाँ मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, मैं डिस्कस करूंगा मैटर विद द मैनेजमेंट, दोस्त चार्जेस, गवर्नेंस, उनको रीजंस दूंगा और फिर से डिटरमाइन करूंगा कि मेरे को मैटर अपॉइंटिंग अथॉरिटी को बताना चाहिए था क्या. अब एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है स्टैंडर्ड में, व्हाट आर द पॉसिबल सोर्सेज ऑफ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. यानी कि आप फ्रॉड्स को कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, जिसको याद करने का तरीका मैंने फ्रॉड ही दिया है, लॉजिकल सी चीज़ है, फ्रॉड ही दिया है. फिक्चर्स जर्नल एंट्रीज, आप देखो कोई फिक्चर्स जर्नल एंट्री पास हुई है क्या, आप देखो रिसिप्ट में एम्बेजलमेंट हो रही है क्या, आप देखो एसेट्स का मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है क्या, आप देखो एसेट्स की चोरी हो रही है क्या, आप देखो कि अजम्पशंस इनअप्रोप्रिएटली यूज हो रहे हैं क्या, आप देखो कि एंटिटी के एसेट्स को पर्सनल पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है क्या, और आप देखो कि क्या रेवेन्यू रिकॉग्निशन में कोई डिले है क्या.
अगर आपने देखा कि फिक्चर्स जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड है, फेक लोन एंट्री रिकॉर्डेड है, दैट इज़ अ इंडिकेटर ऑफ फ्रॉड। आपने देखा रिसिप्ट्स में एम्बेजलमेंट हो रही है, फ्रॉड हो रहा है। आपने देखा एसेट्स का मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है, इसका मतलब फ्रॉड हो रहा है। आपने देखा रेवेन्यू को रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब वो भी फ्रॉड हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी अपने को ध्यान रखनी है। अब एसेट 250, कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन रिस्पॉन्सिबल है लॉ रेगुलेशन के कंप्लायंस के लिए, ऑडिटर या मैनेजमेंट? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑडिटर क्या डिटेक्शन ऑफ नॉन कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? द आंसर इज नो। लेकिन ऑडिट करते वक्त अगर उसको दिखाई दे कि लॉ रेगुलेशन कंप्लाई नहीं हो रहा, उसको उस चीज को कंसिडर करना होगा, उसको उस चीज को कंसिडर करना होगा, बिकॉज दैट विल बी रिफ्लेक्टिंग द ट्रू एंड फेयर व्यू। तो एज ए ऑडिटर मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ एक लॉ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बिकॉज मुझे देखना है कि लॉ रेगुलेशन कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब याद रखना, दो तरीके के लॉज होते हैं, एक होता है डायरेक्ट लॉज, एक होता है इनडायरेक्ट लॉज। डायरेक्ट लॉज मतलब दोज अफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड इनडायरेक्ट मतलब दोज नॉट अफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टली। डायरेक्ट लॉज मतलब दोज अफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल 3, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो मुझे क्या करना होगा, उनके डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग लेना होगा, सफिशियंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेना होगा कि लॉ का कंप्लायंस हो रहा है। लेकिन जो लॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं डाल रहे, जैसे चाइल्ड लेबर, जैसे कि लेबर लॉज, जैसे कि चाइल्ड लेबर लॉज, जैसे कि इन्वायरमेंटल लॉज, मुझे सिर्फ और सिर्फ आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, आई एम जस्ट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ जनरल अंडरस्टैंडिंग। जनरल अंडरस्टैंडिंग में क्यों चाहिए? क्योंकि ऑल दो इट डज नॉट हैज एनी कनेक्शन विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्टली, इट इज अ इनडायरेक्ट कनेक्शन विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एंटिटी ने इन्वायरमेंटल लॉस कंप्लाई नहीं करा, तो वहाँ फाइन्स लग सकती है, वहाँ लिटिगेशन लग सकता है, वहाँ पेनल्टी लग सकती है। तो मेरे को चेक करना है प्रोविजन बनाया है कि नहीं बनाया है, मेरे को WR लेना है कि सारे लॉज रेगुलेशन कंप्लाई हुए हैं कि नहीं हुए हैं। और जब मेरे को पता चलेगा कि लॉ रेगुलेशन कंप्लाई नहीं हो रहा, मैं मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करूंगा, दोस्त चार्जेस गवर्नेंस को कम्युनिकेट करूंगा। लेकिन अगर वो लोग खुद ही नॉन कंप्लायंस में इन्वॉल्व हैं, जो कि प्रॉबेबली होगा, मैं सुपरवाइजरी बोर्ड को कम्युनिकेट करूंगा, फॉर एग्जाम्पल RBI इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज, RBI इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें मुझे ध्यान रखनी है। अब 250 के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ द नॉन कंप्लायंसेस। तो आपको देखना पड़ेगा, कुछ इंडिकेटर्स हैं कि कब हमें पता चलेगा कि बॉस शायद लॉ रेगुलेशन कंप्लाई नहीं हो रहा। तो जिसको मैंने याद करने का तरीका दिया है पिंपल, कि अगर आपको पिंपल हो जाए तो समझ लेना कि शायद लॉ रेगुलेशन कंप्लाई नहीं हो रहा। दैट इज पेमेंट विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, इन्वेस्टिगेशन मेड बाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एडवर्स मीडिया कमेंट, देन उसके बाद पी से पेमेंट मेड टू रिलेटेड पार्टीज, लैक्स अकाउंटिंग सिस्टम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनऑथराइज ट्रांजेक्शंस। क्वेश्चंस जो आपके बनेंगे मिक्स्ड एप्लीकेशंस के बनेंगे, फॉर एग्जांपल कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है प्रोविडेंट फंड एक्ट में, प्रोविडेंट फंड ड्यूज पे नहीं करा। तो क्योंकि प्रोविडेंट फंड ड्यूज पे नहीं करा, तो ऐसे 250 तो लगेगा ही लगेगा, प्रोविडेंट फंड एक्ट कंप्लाई नहीं हो रहा। बट साथ ही साथ कारों में रिपोर्टिंग भी चाहिए होगी, और साथ ही साथ ऐसा 705 के हिसाब से ऑडिटर को रिपोर्ट मॉडिफाई भी करना पड़ेगा। तो मिक्सड एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस बनेंगे, राइट। अब हम लोग कुछ और दो तीन इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स करेंगे, ऐसे 540 से लेके 570, ये जो सीरीज़ है बड़ा इंपॉर्टेंट अपने लिए, तो उन स्टैंडर्ड्स में जाएंगे। ऐसे 540, ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। अब आप एक चीज़ बताओ, जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं उनको बनाने का काम किसका है? मैनेजमेंट का है। एस्टिमेट्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल वारंटी ऑब्लिगेशंस, प्रोविजन्स फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन्स फॉर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज़। फिर फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स भी होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स, फ्यूचर्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो एस्टिमेट्स को बनाने का काम किसका है? मैनेजमेंट का है। एज ए ऑडिटर मुझे तो सिर्फ ये चेक करना है कि जो एस्टिमेट्स है वो रिजनेबल है कि नहीं, एंड प्रॉपरली FRF के हिसाब से डिस्क्लोज है कि नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है वो ये बनता है, व्हाट आर द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अब क्या करोगे? लॉजिकल से चीज़ सोचो। अब 315 का प्रिंसिपल लगाओगे, 315 का प्रिंसिपल लगाओगे, किसी भी एंटिटी को ऑडिट करने जाओगे, सबसे पहले समझोगे कि नेचर ऑफ बिजनेस एंटिटी क्या है और उनके लिए एस्टिमेट्स कितने यूज़फुल हैं, उनके लिए एस्टिमेट्स कितने यूज़फुल हैं। फॉर एग्जाम्पल मे भी आप डोमिनोज का ऑडिट करने जाओगे तो उनके लिए एस्टिमेट्स उतना यूज़फुल नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑडिट करने जाओगे तो वहाँ उनके लिए एस्टिमेट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। फिर आप देखोगे क्या मैनेजमेंट ने एस्टिमेट्स बनाते वक्त सारे ट्रांजेक्शन्स को कंसिडर किया है क्या,
how management, whether the management has identified all the transactions, events, conditions giving rise to estimates. अब सोच के देखो, estimates बनाने के लिए management ने जो process use किया है, वो process बराबर है कि नहीं? As a estimates बनाने के लिए management ने जो process use किया है, let us say expert के काम को use किया है, तो वो process बराबर है कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग नेचर ऑफ एंटिटीज बिजनेस को देखेंगे, ये देखेंगे कि एस्टिमेट्स उनके लिए कितने सिग्निफिकेंट हैं, फिर हम ये देखेंगे क्या मैनेजमेंट ने सारे ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया है, सारे इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया है, सारे कंडीशंस को आइडेंटिफाई किया है जिससे एस्टिमेट्स बन सकती है, फिर देखेंगे जो प्रोसेस मैनेजमेंट ने यूज़ किया है एस्टिमेट बनाने के लिए वो रिजनेबल है कि नहीं, फिर मैनेजमेंट से कंफर्मेशन लेंगे कि आपने जो डाटा यूज़ किया है एस्टिमेट्स के लिए वो रिलायबल है या नहीं है, कंफर्मेशन लेंगे कि आपने जो डाटा यूज़ किया है एस्टिमेट्स के लिए वो रिलायबल है या नहीं है, उसके बाद मैं क्या करूँ, मैं खुद अपने एस्टिमेट तैयार करूंगा, अप्लाई हिज ओन प्रोसीजर्स, गेट हिज ओन एस्टिमेट, कंपेयर विद द मैनेजमेंट पॉइंट एस्टिमेट, कंपेयर विद द मैनेजमेंट पॉइंट एस्टिमेट, और उसके लिए मैं एक्सपर्ट के काम को यूज कर सकता हूं। फिर अगर मेरा एस्टिमेट और मैनेजमेंट के एस्टिमेट में ज़्यादा डिफरेंस है, मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा एडजस्ट करो, और मैनेजमेंट एडजस्ट नहीं करता तो क्वालिफाइड या एडवर्स रिपोर्टिंग करूंगा। ऐसे 550 रिलेटेड पार्टीज का स्टैंडर्ड है, वी हैव ऐसे 550, दैट इज द स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड पार्टीज, दैट इज द स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड पार्टीज। ऐसे 550 है हमारा जो कि रिलेटेड पार्टीज का स्टैंडर्ड है। तो रिलेटेड पार्टीज आपने अलग अलग जगह देखा है, आपने 2 क्लॉज 76 में रिलेटेड पार्टीज को डिफाइन किया है, आपने AS 18 में रिलेटेड पार्टीज को डिफाइन किया है, ऐसे कहीं भी रिलेटेड पार्टीज को डिफाइन नहीं करता। अब ऐसे में अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला बन सकता है हाउ टू आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टीज। तो इसमें आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, प्रैक्टिस मैनुअल का ही क्वेश्चन है, इनकम टैक्स रिटर्न, इन्फॉर्मेशन सप्लाई टू द रेगुलेटरी अथॉरिटीज, द शेयर होल्डर्स रजिस्टर, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एक्वायर्ड बाय द एंटिटी, इंटरनल ऑडिटर्स रिपोर्ट, मिनट्स ऑफ मीटिंग, अदर रिकॉर्ड्स, अदर डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल्स दिए, मेमोरेंडम, आर्टिकल, सेक्शन 189, एनुअल रिटर्न्स, ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ से आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुझे देखना है कि जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुई है, वो FRF के हिसाब से है कि नहीं है। फिर अंडरस्टैंडिंग लूंगा मैं 315 के हिसाब से, रिस्क को आइडेंटिफाई करूंगा मैं 315 के हिसाब से, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करूंगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करते वक्त प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का ध्यान रखूंगा, ये सारी चीज़ें मैं करने वाला हूँ, WR लेने वाला हूँ। यहाँ पे भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, वापस से 315 का एप्लीकेशन सबसे पहले आएगा। हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि एंटिटी के रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स कौन सी हैं, पिछले साल कौन सी थी, उनके साथ क्या ट्रांजेक्शन्स एंटर हुई हैं, अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि एंटिटी के रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स कौन सी हैं, पिछले साल कौन सी थी, उनके साथ क्या रिलेशन ट्रांजेक्शन्स एंटर हुई है। हम देखेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैनेजमेंट ने बराबर से लगा रखा है कि नहीं लगा रखा टू आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फॉलो करें, जैसे ही हमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स का पता चलता है, हम अलर्ट कर देंगे, हम शेयर कर देंगे इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटेड पार्टी विद द अदर मेंबर्स। जैसे ही हमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का पता चलता है, हम अलर्ट कर देंगे, हम सारे एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स को बता देंगे कि देखो भैया ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, आगे कोई भी ट्रांजेक्शन तुम्हें इस पार्टी के साथ मिले तो अच्छे से फोकस करना। और फाइनली मुझे क्या करना है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। सो ये सारी चीजें मुझे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में ध्यान रखनी है। अब अगर मेरे को कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में पता चलता है जो कि अब नॉर्मली हाई अमाउंट का है, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, या मैं बोल सकता हूँ बायस्ड लग रहा है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूँगा। जैसे कि ट्रांजेक्शन को ऑथराइज किसने किया था, हु हैज़ ऑथराइज्ड दिस ट्रांजेक्शन, अप्रूव किसने किया था, ऑथराइज किसने किया था, टर्म्स किसने डिसाइड की थी, मैं कॉन्ट्रैक्ट को डिटेल में चेक करूंगा, आई विल बी इंस्पेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स विथ माइन्यूट डिटेल्स कि कुछ इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है, मैं यहाँ पे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को देखूंगा, और अगर मेरे को फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स मिल जाते हैं 240 के प्रिंसिपल्स कंसिडर करूंगा, 240 के प्रिंसिपल्स कंसिडर करूंगा। ये कब होगा, जब मेरे को एक ऐसा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मिलेगा विच इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस या विच अपीयर्स टू बी बायस्ड। अब 550 एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसकी लिंकिंग बहुत ज़बरदस्त है, जैसे जब भी हम 550 की बात करेंगे हम AS 18 का ध्यान रखेंगे,
AS 18 का रेफरेंस देंगे। जब भी ऐसे 550 की बात करेंगे, सेक्शन 188 कैन ऑलवेज कम इन टू पिक्चर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। इसके अलावा जब भी 188 आएगा, 189 तो हमेशा आ ही सकता है। 188, 189 के आते ही कारो 16 अपने आप ही आ जाएगा, इम्प्लाइड है। क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड रिस्क फैक्टर की बात हो रही है, तो ऐसे 240 भी आ सकता है। उसके अलावा अगर हम कहेंगे कि कंपनी की एक सबसी है, एक सबसी है, तो ऐसे 550 तो लगेगा, 129 का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जहां पे लिखा है कि अगर कंपनी की एक भी सब्सिडरी है तो तुम्हें CFS बनाना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद ऐसे 5-6 सबसिक्वेंट इवेंट्स। सबसिक्वेंट इवेंट का मतलब क्या है? सबसिक्वेंट इवेंट का मतलब है ऐसे 560 स्टेट्स द टर्म सबसिक्वेंट इवेंट्स एज इवेंट्स ऑकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट बट नॉन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। कोई ऐसा इवेंट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेट और ऑडिटर्स रिपोर्ट के डेट के बीच में अराइज हुआ है, मगर ऑडिटर को पता चला है रिपोर्ट बनाने के बाद। कोई ऐसा इवेंट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर्स रिपोर्ट के डेट के बीच में अराइज हुआ है, मगर ऑडिटर को पता चला है डेट के बाद। अब ऐसे सिर्फ इतना कहता है, सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है? वेदर द सब्सिक्वेंट इवेंट्स आर टू बी एडजस्टेड इन द फाइनेंशियल इवेंट स्टेटमेंट्स और द सब्सिक्वेंट इवेंट्स आर नॉट टू बी एडजस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसे इस बात को नहीं करता। इसके लिए हमें रेफर करना पड़ेगा AS 4, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कहता है, ऑन द दोज इवेंट्स द कॉन्टिजेंसी ऑफ विच एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट कैन बी एडजस्टेड। फॉर एग्जाम्पल, पेंडिंग लिटिगेशन। बैलेंस शीट डेट में कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट करती थी कि कल को केस में हार सकता हूं और इन दैट सिचुएशन मेरे को प्रोविजन बनाना चाहिए था पहले से, तो उन इवेंट को मैं आइडेंटिफाई करूंगा, उन इवेंट को मैं आइडेंटिफाई करूंगा। उसके बाद, इफ द गोइंग कंसर्न इज अफेक्टेड। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ द गोइंग कंसर्न इज अफेक्टेड, बिकॉज इफ द गोइंग कंसर्न इज अफेक्टेड यू हैव टू आइडेंटिफाई सच इवेंट इवन इफ नो कॉन्टिजेंसी एग्जिस्टेड। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू आइडेंटिफाई दोज इवेंट्स इवन इफ नो कॉन्टिजेंसी एग्जिस्टेड। तो अगर मैं इस इवेंट की बात करूं, व्हेन द गोइंग कंसर्न इज अफेक्टेड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई हैव टू आइडेंटिफाई दिस इवेंट इवन इफ नो कंटिजेंसी एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन में आग लग जाती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में आग लग जाती है, नॉर्मली हम कहेंगे कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती, रिकग्नाइज नहीं करना, लेकिन अगर गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रहा है, रिकग्नाइज करना है। तो इसके ऊपर केस स्टडीज ड्राफ्ट होती हैं, इसके ऊपर केस स्टडीज ड्राफ्ट होती हैं। एंड अगेन देन द इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी हैव दिस रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। वापस से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में सबसे पहले 315 वाला एलिमेंट आएगा कि अपन अंडरस्टैंडिंग लेंगे क्या मैनेजमेंट ने प्रोसीजर्स बनाया है टू आइडेंटिफाई द सब्सिक्वेंट इवेंट। फिर अपन सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट से, दोस्त चार्जेस, गवर्नेंस से, और क्या कर सकते हैं, मिनट्स रीड कर सकते हैं, लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड कर सकते हैं। मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे, मिनट्स रीड करेंगे, लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करेंगे, तो वहां से अपने को सब्सिक्वेंट इवेंट्स का पता चल सकता है। मैनेजमेंट से इंक्वायरी करके, मिनट्स रीड करके, लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करके अपने को सब्सिक्वेंट इवेंट्स की जानकारी मिल सकती है। केस स्टडीज में ध्यान रखना, एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग आइडेंटिफाई करना है। AS 4 बीच में आएगा, और अगर AS 4 बीच में आएगा तो पॉसिबिलिटी है कि AS 29 भी बीच में आ सकता है। उसके बाद वी हैव ऐसे 570 गोइंग कंसर्न। ऐसे 570 गोइंग कंसर्न, नाउ यू नो दैट गोइंग कंसर्न इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर यू। यू हैव टू सी वेदर द गोइंग कंसर्न एजम्पशन इज अप्रोप्रिएट और नो। ऐसा क्यों चेक करना है मुझे? बिकॉज AS 1 कहता है कि गोइंग कंसर्न एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, और इसीलिए मेरे को देखना है कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। अब जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं ऑडिट करने जाऊंगा, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं ऑडिट करने जाऊंगा, मेरे को तीन चीज़ें देखनी होंगी। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स है क्या, ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स है क्या, या अदर इंडिकेटर्स है क्या। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स मतलब, मान लो मेरे को दिखा कि फाइनेंशियल रेशियोज जो हैं वो एडवर्स हैं, लॉसेज हैं, कैश फ्लो नेगेटिव है, लाइबिलिटीज एसेट से ज़्यादा है, तो इस तरीके से हमें कुछ भी ऐसे इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं जिससे लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन की हालत ख़राब है, कल को ऑर्गेनाइजेशन बंद हो सकती है, तो अपने को उस चीज़ का ध्यान रखना है। ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स यानी मेरे को दिखा कि लेबर प्रोडक्ट नहीं बना रहा,
सप्लायर माल नहीं डिलीवर कर रहा, कस्टमर माल नहीं खरीद रहा, लॉस ऑफ की मैनेजमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, लॉस ऑफ की मैनेजमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में न्यूज़ आती है कि नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी से रिजाइन कर दिया। न्यूज़ आती है, सिर्फ अफवाह है, रियल न्यूज़ नहीं है। लेकिन अब सोच के देखो, अगर ऐसा होता है तो कैन आई से कि शायद बीजेपी का गोइंग कंसर्न उसकी वजह से खतरे में आ जाएगा। द आंसर इज येस, बिकॉज इट्स अ लॉस ऑफ की मैनेजमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। या फिर एक कॉम्पिटिटर आ गया जिससे एग्जिस्टिंग पार्टीज का गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया, एग्जाम्पल जियो। तो अगेन अपने को ये ध्यान रखना है। एंड अदर इंडिकेटर्स जैसे कि चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, चेंज इन लॉज, या फिर आप इसे पेंडिंग लिटिगेशन भी लिख सकते हो। तो मेरे को सबसे पहले इस स्टैंडर्ड में क्या करना है, सबसे पहले मेरे को इस स्टैंडर्ड के अंदर इन इंडिकेटर्स का ध्यान रखना है, इन इंडिकेटर्स का ध्यान रखना है। आई विल कंसिडर द इवेंट्स दैट मे कास्ट अ डाउट ऑन गोइंग कंसर्न, आई विल कंसिडर द इवेंट्स दैट विल कास्ट द डाउट ऑन गोइंग कंसर्न। इसके लिए आई विल हैव टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अगर मेरे को कोई इंडिकेटर दिखाई दे, मैं उसके रिगार्डिंग सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लूंगा, मैं दो स्टार्स गवर्नेंस को कम्युनिकेट करूंगा। लेकिन मैंने इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई किया, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे को मिटिगेटिव फैक्टर्स देखने हैं कि मिटिगेटिव फैक्टर्स प्रेजेंट है क्या। मिटिगेटिव फैक्टर्स यानी वो फैक्टर्स जो रिस्क को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सप्लायर ने माल डिलीवर करने से मना कर दिया था, लेकिन ऑल्टरनेटिव सप्लायर मिल गया। कस्टमर्स छूट गए थे, ऑल्टरनेटिव कस्टमर्स आ गए। आग लग गई थी, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। तो अगर मिटिगेटिव फैक्टर है, इंस्टेड ऑफ क्वालिफाइंग द रिपोर्ट, मैं क्या कर सकता हूँ, उसे इम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में इनकॉपरेट कर सकता हूँ। मेरे को इंडिकेटर्स मिल गए, इवेंट्स आइडेंटिफाई कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, एडिशनल प्रोसीजर्स क्या करूंगा, मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करो कि तुम्हारा गोइंग कंसर्न का एजम्पशन बराबर है कि नहीं है, तुम्हारा गोइंग कंसर्न का एजम्पशन बराबर है कि नहीं है। अब मैनेजमेंट क्या करेगा, मैनेजमेंट एक फ्यूचर प्लान बनाएगा, एक एक्शन प्लान बनाएगा, एक मैनेजमेंट फ्यूचर प्लान बनाएगा, एक्शन प्लान बनाएगा, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएगा, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएगा। तो मैं देखूंगा कि भैया जो तुमने प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है उसका डाटा रिलायबल है कि नहीं है, तूने जो प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है उसका डाटा रिलायबल है कि नहीं है। अब इस स्टैंडर्ड में रिपोर्टिंग कैसे होगी, मैंने देखा गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है, बहुत अच्छी बात है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। इन अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल गंदी बात है, एडवर्स ओपिनियन। क्वेश्चनेबल था लेकिन मैनेजमेंट ने मेरी शंका दूर कर दी, ईओएम पैरा। क्वेश्चनेबल था, मैनेजमेंट मेरी शंका दूर नहीं कर पा रहा, क्वालिफाइड रिपोर्टिंग। क्योंकि क्वेश्चनेबल है, मुझे कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जब मैं कहता हूं इन अप्रोप्रिएट है, इसका मतलब कंफर्म्ड है कि हाँ भैया इन अप्रोप्रिएट है। तो अगेन मेरे को ध्यान रखनी है, राइट। उसके बाद स्टैंडर्ड वाले सीरीज में एक स्टैंडर्ड और है जिसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, 710, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आपने देखा होगा कि 2 साल के इन्फॉर्मेशन साथ में आते हैं, करंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों साल के इन्फॉर्मेशन साथ में आते हैं, ऐसा आपने देखा होगा, है ना। करंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों साल के इन्फॉर्मेशन साथ में आते हैं, उसको हम कहते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। वो क्यों इंक्लूड की जाती है, वो इंक्लूड की जाती है ओनली फॉर कंपैरिजन। वो इंटीग्रल पार्ट नहीं होता करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसको हम कहते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, उसको हम कहते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये कॉन्सेप्ट चलता है इंडिया में, लेकिन अब्रॉड में जो पुराने साल के फिगर्स होते हैं वो इंटीग्रल पार्ट होता है करंट ईयर के फिगर का, जिसको हमें साथ में रीड करना होता है, जिसको हम कहते हैं करस्पॉन्ड फिगर्स। अब मुझे क्या करना है, मुझे कंपेयर करना है। कंपैरेटिव बेसिस में इंफॉर्मेशन दी ही इसलिए गई है कि मैं कंपेयर करूं। कंपेयर क्या करूं, क्या करूं कंपेयर, मैं ये देखूं पॉलिसीज कंसिस्टेंट है क्या, 510 वाला प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट है क्या, फिगर्स एग्री कर रही है क्या, और कहीं कोई मिस स्टेटमेंट्स तो नहीं है, और कहीं कोई मिस स्टेटमेंट्स तो नहीं है। पॉलिसीज कंसिस्टेंट है क्या, फिगर्स एग्री कर रही है क्या, कहीं कोई मिस स्टेटमेंट्स तो नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फॉलो करूंगा और उसके बारे में एविडेंसेस लूंगा। अगर कहीं डाउट है, मेरे को शक है मिस स्टेटमेंट का, तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फॉलो करूंगा, एविडेंसेस लूंगा। क्या मैं कह सकता हूं कि अगर पिछले साल ऑडिट मैंने नहीं किया था तो 510 फॉलो होगा, द आंसर इज येस, 510 फॉलो होगा और मैं अदर मैटर्स पैरा में इनकॉर्पोरेट करूंगा। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं कि अगर पिछले साल का ऑडिट मैं नहीं करा था तो 510 तो नहीं लग सकता, लेकिन मेरे को सबसिक्वेंट इवेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, तो यहां पे 560 एप्लीकेबल होगा। तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में मेरे को क्या देखना है, मेरे को देखना है पॉलिसीज कंसिस्टेंट है क्या, मेरे को देखना है फिगर्स एग्री कर रही है क्या, मेरे को अगर शक है मिस स्टेटमेंट का, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फॉलो करूंगा, एविडेंसेस लूंगा। अगर पिछले साल का ऑडिट मैंने नहीं करा था, किसी और ने करा था, 510 फॉलो करूंगा, मैं नहीं करा था 510 फॉलो नहीं करूंगा, लेकिन 560 सबसिक्वेंट इवेंट्स का तो ध्यान रखूंगा।
अब इस स्टैंडर्ड में रिपोर्टिंग कैसे होगी, अगेन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच के देखो, पुराने साल का जो ऑडिटर था उसने रिपोर्ट को अनमॉडिफाई किया था, मैं हो सकता हूँ या कोई और हो सकता है। तो आप सोच के देखो, मेरे को करंट ईयर में पुराने रिपोर्ट को रेफर करने की ज़रूरत है कि नहीं? द आंसर इज नो, बिकॉज अनमॉडिफाइड था वो, तो वहाँ पे कुछ कमियाँ नहीं थी। लेकिन अगर वो मॉडिफाइड था तो मेरे को रेफर करना पड़ेगा टू सी वाट इज द स्टेटस ऑफ दोज मॉडिफाइड मैटर्स, वेदर दैट इज रिजॉल्व और नो। इफ दैट इज नॉट रिजॉल्व, आई विल अगेन मॉडिफाई द रिपोर्ट। इफ इट इज रिजॉल्व, आई कैन इंक्लूड इन द ईओएम। अगर पिछले साल ऑडिट नहीं हुआ था, आई विल अगेन रिपोर्ट इन द अदर मैटर्स पैराग्राफ। तो ये चीज़ें हमें 710 में ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये जो पार्ट हमने किया है, अभी तक जितने स्टैंडर्ड्स के पार्ट हमने किए हैं, आई कैन से दिस इज कॉमन फॉर द आईपीसीसी स्टूडेंट्स एज वेल एज सीए फाइनल स्टूडेंट्स। दिस इज कॉमन फॉर द आईपीसीसी स्टूडेंट्स एज वेल एज सीए फाइनल स्टूडेंट्स, बिकॉज कॉन्सेप्ट तो दोनों जगह सेम ही है, सिर्फ क्वेश्चन के लेवल का डिफरेंस है। ऑल्दो हमने क्वेश्चन स्टैंड जो डिस्कशन करा थोड़े हाई लेवल का करा है, लेकिन अब जो पार्ट हम करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए है। तो अब हम करेंगे जो एडिशनल कंटेंट है हमारे लिए, हम करने वाले हैं 800 सीरीज़, जिसमें 3 स्टैंडर्ड हैं, और उसके बाद ऐसे ही एसआरएस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखेंगे। अब पूरा डिटेल में तो नहीं जा सकते, सिर्फ बहुत ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ें ही देखेंगे। ऐसे 800, 805, 810 3 स्टैंडर्ड्स हैं जो 800 की सीरीज़ में आते हैं। 800 है स्पेशल पर्पज़ फ्रेमवर्क। मेरे को स्पेशल पर्पज़ फ्रेमवर्क का ध्यान रखना है। मतलब अब देखो, दो तरीके के फ्रेमवर्क होते हैं। एक होता है जनरल पर्पज़ फ्रेमवर्क जो 700 में है। जनरल पर्पज़ फ्रेमवर्क यानी जो जनरल यूज़र्स के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपन बनाते हैं, लेकिन जब स्पेसिफिक यूज़र के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अपन कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, उसे कहते हैं स्पेशल पर्पज़ फ्रेमवर्क। अब किसी भी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले, मेरे को अपने पिया का ध्यान रखना पड़ेगा, मेरे को अपने पिया के बारे में सोचना पड़ेगा। 3 चीज़ें देखनी होंगी, व्हाट वाज़ द पर्पज़, किस पर्पज़ के लिए स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया गया है, हु इज़ द इंटेंडेड यूज़र, वेदर द एफआरएफ इज़ फॉलोड। क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स मैं परफॉर्म करने वाला हूँ, मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा कि एंटिटी अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन से फॉलो कर रही है। क्या मुझे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग फॉलो करने हैं? बिल्कुल फॉलो करने हैं, लेकिन मुझे सिर्फ रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग फॉलो करना है। जैसे वन ऑफ द रेलिवेंट स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग इज एज 320, वन ऑफ द रेलिवेंट स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग इज एज 320, अनदर रेलिवेंट स्टैंडर्ड इज एज 200। और फिर मेरे को इम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में यूजर्स को बताना है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है स्पेशल पर्पज के हिसाब से बनाई गई है, राइट? तो ऐसे 800 का सीरीज है जिसमें हमने बोला स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क, यानी हम सिर्फ स्पेसिफिक यूजर के नीड को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं इस चीज़ को। ऐसे एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले मेरे को देखना पड़ेगा, भैया किस पर्पज के लिए तेरे को चाहिए, यूजर कौन है, एफआरएफ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्या ऑडिट प्रोसीजर्स मैं फॉलो करूंगा? मैं देखूंगा अकाउंटिंग पॉलिसीज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करूंगा 320, 200, एंड अलर्ट करूंगा यूजर्स इन द इम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। 805 क्या कहता है? 805 कहता है ऑडिट ऑफ सिंगल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड स्पेसिफिक एलिमेंट्स। मतलब सिर्फ एक कंपोनेंट का ऑडिट, मतलब अकाउंट्स रिसीवेबल का ऑडिट, अकाउंट्स पेबल का ऑडिट, कैश फ्लो का ऑडिट, बैलेंस शीट का ऑडिट, पी एंड एल का ऑडिट, सिर्फ एक कंपोनेंट का ऑडिट, नेट एसेट्स का ऑडिट। अगेन इन असाइनमेंट्स को एक्सेप्ट करने से पहले भी मैं देखूंगा 3 चीज़ें, पिया को देखूंगा, पर्पज, इंटेंडेड यूजर, एक्सेप्टेंस ऑफ एफआरएफ, और ये देखूंगा कि मैं रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर पा रहा हूं कि नहीं। अगर मैं रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई नहीं कर पा रहा तो अगेन आई विल नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट एंगेजमेंट। एंड यहाँ पे वाइल परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट you have to comply with relevant standards, and जो relevant standards होंगे यहाँ पे 240 होगा, 550 होगा, 570 होगा, and 320 भी कह सकते हो। 810 engagement to report on summary financial statement, engagement to report on summary financial statement. Summary financial statement क्या है? इसका थोड़ा background लेते हैं।
समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कभी कभी लिस्टेड कंपनीज क्या करती है, लिस्टेड कंपनीज को एक ऑप्शन दिया जाता है सेक्शन 136 में कि आप फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाकर आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कर सकते हो, यूजर को सेंड कर सकते हो। लेकिन वो जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा वो बनेगा अप्लाइड क्राइटेरिया के हिसाब से। ये जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा ये बनेगा अप्लाइड क्राइटेरिया के हिसाब से। अब इस समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिट कराना होता है, इस समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिट कराना होता है। एंड द नॉट वर्थी पॉइंट इज दैट जो स्टैचुरी ऑडिटर था फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसी बंदे से ऑडिट कराना होता है। तो जब लिस्टेड कंपनीज समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर को सेंड करती है, वो बनता है अप्लाइड क्राइटेरिया के हिसाब से, और उस समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अपने को ऑडिट कराना होता है, और उसी बंदे से ऑडिट कराना होता है जिसने हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया है, उस जिसने हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया है। तो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले हम पिया तो देखेंगे ही देखेंगे, यानी पर्पस तो देखेंगे ही देखेंगे, इंटेंडेड यूजर तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे अप्लाइड क्राइटेरिया कि अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है या अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द असाइनमेंट, एंड आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट द असाइनमेंट ओनली वेन आई एम द हिस्टोरिकल ऑडिटर एज वेल। नाउ While performing such procedures, मेरे को चेक करना है whether applied criteria is acceptable whether it is properly disclosed, whether it is not misleading, whether it is not misleading, whether applied criteria is acceptable, whether properly disclosed, whether it is not misleading, whether full financial statement will be available without difficulty। यूजर को क्या पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मिल जाएगा क्या बिना डिफिकल्टी के, यूजर को पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मिल जाएगा क्या बिना डिफिकल्टी के। तो इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करते वक्त मुझे देखना है, मुझे चेक करना है अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है कि नहीं, प्रॉपरली डिस्क्लोज है कि नहीं, मिसलीडिंग है कि नहीं, फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर इसमें आगे और पॉइंट्स आते हैं, इसमें आगे और पॉइंट्स आते हैं जैसे वेदर प्रॉपरली सेग्रीगेशन की गई है, सेग्रीगेशन की गई है बिटवीन फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इन सारी चीजों का अपने को क्या करना है, ध्यान देना है। इन सारे स्टैंडर्ड्स में भी ऑडिट रिपोर्ट बनाते वक्त, इन सारे स्टैंडर्ड्स में भी ऑडिट रिपोर्ट बनाते वक्त अपने को कॉमन 700 के ऑडिट प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है। साथ में बता देंगे कि ये जो रिपोर्टिंग है ये स्पेशल पर्पस की है या सिंगल कॉम्पोनेंट की है। उसके बाद अपने पास है एस आर एस एंड एस आर ईज, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। अब देखना रिव्यू एंगेजमेंट्स करने से पहले एक डिफ्रेंसिएशन देखेंगे कि रिव्यू में और स्टैंडर्ड्स में क्या डिफरेंस मेनली रहेगा। तो स्टैंडर्ड्स में मेनली हम 6 तरीके से एविडेंस लेते थे, जबकि रिव्यू में हम सिर्फ 2 तरीके से एविडेंस लेंगे, इंक्वायरी प्लस एआरपी, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर। स्टैंडर्ड्स में हम पॉजिटिव एश्योरेंस देते थे, रिव्यू में हम नेगेटिव एश्योरेंस देंगे। लेकिन कुछ कॉमन पॉइंट्स होंगे जैसे कि एथिकल रिक्वायरमेंट्स, डब्ल्यू आर, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ये सारा सेम रहेगा। ये सारा का सारा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ये सारा का सारा सेम रहने वाला है। तो किसी भी रिव्यू के असाइनमेंट में अपने को ये चीज़ें तो ध्यान रखनी है। उसके अलावा यहाँ पे 2 स्टैंडर्ड्स हैं, 2 रिव्यू के स्टैंडर्ड्स हैं, 2400, 2410।
2400 बात करता है रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में, और 2400 बात करता है रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में। अब ये याद रखना कि रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जब बात करेंगे हम वर्ड यूज करेंगे प्रैक्टिशनर, कि रिव्यू कौन करेगा, प्रैक्टिशनर अदर देन द सीए ऑफ द एंटिटी। जबकि इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिव्यू में हम बात करेंगे, वर्ड यूज करेंगे इंडिपेंडेंट ऑडिटर, क्योंकि यहां पे रिव्यू कौन करने वाला है, खुद इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द एंटिटी। तो ये चीजें हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। तो देखना जो रिव्यू का स्टैंडर्ड्स है, जो रिव्यू का स्टैंडर्ड्स है, जैसे सबसे मेनली हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है 2400 10 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उस पर आप ज़्यादा फोकस करना। तो देखना जैसे कि एक बार क्वेश्चन आया था रिव्यू का, सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि कोई भी रिव्यू असाइनमेंट के वक्त आप किन चीज़ों का ध्यान रखोगे, किन चीज़ों का ध्यान रखोगे, तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट देखेंगे, एंगेजमेंट लेटर, रिटन रिप्रेजेंटेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, मिनट्स देखेंगे, इंक्वायरी करेंगे, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। तो बहुत ही कॉमन आंसर था, बहुत ही कॉमन आंसर था। उसके बाद हमारे पास होते हैं कंपाइलेशन स्टैंडर्ड्स, SRS जिसको हम बोलते हैं। अब दो SRS है हमारे पास, SRS 4400 है, दैट इज एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, एंड SRS 4410 है जिसको कहते हैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट। नाम चेंज हुआ है इसका, इसको कहते हैं हम कंपाइलेशन एंगेजमेंट। क्या कहते हैं? कंपाइलेशन एंगेजमेंट। 4410 में हम कहते हैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट। तो 4400 में हम बोलते हैं एग्रीमेंट एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, यानी मैनेजमेंट मेरे को किसी भी काम के लिए बोल सकता है। वो बोल सकता है भाई तू एक काम कर, मेरे लिए फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट कर। तो क्या मैं फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट कर सकता हूँ? येस, द आंसर इज आई कैन कंडक्ट द फिजिकल वेरिफिकेशन। लेकिन उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? ऐसे 4400 को फॉलो करना पड़ेगा, 4400 को फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसीजर सेम रहेंगे, इंक्वायरी रहेगा, रिकम्प्यूटेशन, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन। रिपोर्ट में क्लियरली लिख देंगे कि ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर है, रिपोर्ट में क्लियरली लिख देंगे कि ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर है। 4410 कंपाइलेशन एंगेजमेंट। क्या मैं कंपाइलेशन का काम एक्सेप्ट कर सकता हूँ क्या? टू कंपाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू कंपाइल द अकाउंट्स। द आंसर इज येस, आई कैन एक्सेप्ट। बट अगर मैं करता हूँ तो मेरे को SRS 4410 फॉलो करना पड़ेगा, SRS 4410 फॉलो करना पड़ेगा, और फिर मैं ऑडिटर नहीं बन सकता उस एंटिटी का। अब यहाँ पे हम लोग इस स्टैंडर्ड में, SRS में हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे प्रैक्टिशनर। क्या यूज़ करेंगे? प्रैक्टिशनर, या फिर यूज़ करेंगे अकाउंटेंट। अब डाटा के एक्यूरेसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? डाटा की एक्यूरेसी के लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, डाटा की एक्यूरेसी के लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। हम तो सिर्फ कंपाइलेशन का काम करेंगे, हम तो सिर्फ कंपाइलेशन का काम करेंगे। अब यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस बनती हैं, जैसे कि कंपाइलेशन के वक्त अगर अपने को पता चला कि मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई नहीं किया है तब क्या करें, अपने को पता चला कि मिस स्टेटमेंट्स हैं, FRF कंप्लाई नहीं है तब क्या करें, अपने को पता चला कि इन्फॉर्मेशन ही कंप्लीट नहीं है तब क्या करें। अब देखना, पहला सिचुएशन है कि कंपाइलेशन के वक्त अपने को पता चला कि AS कंप्लाइड नहीं है, AS कंप्लाई नहीं हो रहा। यहाँ पे पुराने SRS में लिखा था कि हम मैनेजमेंट को बोलेंगे रेक्टिफाई करो, अगर मैनेजमेंट AS को रेक्टिफाई कर देता है तो हम नोट्स और अकाउंट्स में इंक्लूड कर देंगे। नए SRS में विड्रॉवल की बात की है, विड्रॉवल की बात की है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने अपने अमेंडेड आंसर में भी पुराना वाला रेफरेंस ही दिया है। दूसरा सिचुएशन है मिस स्टेटमेंट। अगर मिस स्टेटमेंट है या FRF का कंप्लायंस नहीं है तो फिर से मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा कि भैया तू मिस स्टेटमेंट को रेक्टिफाई कर, अगर नहीं करता तो मैं विड्रॉ कर लूंगा। अगर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है तो मैनेजमेंट से मैं इंक्वायर करूंगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करूंगा, WR लूंगा, और अगर मेरे को मैनेजमेंट WR नहीं देता, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देता, मैं विड्रॉ कर लूंगा। यहाँ भी आप विड्रॉवल की बात लिख देना कि अगर इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, इनकरेक्ट है, यहाँ पे विड्रॉवल की बात फिर से आ जाएगी। विड्रॉ इफ इन्फॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड, विड्रॉ इफ इन्फॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड, राइट। तो ये सारी चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। जब भी याद रखना, कभी इन स्टैंडर्ड से कॉपी आपके पास फॉर्मेट आ जाए ना रिपोर्ट बनाने का, तो 700 के कॉमन स्टैंडर्ड्स के फॉर्मेट एप्लीकेबल होंगे, टाइटल, एड्रेस सी। इसमें एक स्टेटमेंट और आ जाता है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉम्पोनेंट। उसके बाद आप ये लिखोगे, आप एक स्टेटमेंट दोगे, एक स्टेटमेंट दोगे। कभी भी इन पार्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है रिपोर्ट के ऊपर, तो एक स्टेटमेंट लिखोगे, स्टेटमेंट दैट, कोई भी मान लीजिए रिव्यू का क्वेश्चन है, कंपाइलेशन का क्वेश्चन है, तो रिव्यू का क्वेश्चन है या कंपाइलेशन का क्वेश्चन है, हैज बीन डन
एज पर जो भी रेलिवेंट स्टैंडर्ड है, जो भी रेलिवेंट स्टैंडर्ड है, ये स्टेटमेंट आप ज़रूर दोगे रिपोर्ट बनाते वक्त। एक डिपार्चर फ्रॉम FRF का स्टेटमेंट आता है, एक ये वाला स्टेटमेंट आता है। एक ये ध्यान रखोगे कि अगर उस स्टैंडर्ड में ऑडिटर नहीं था, प्रैक्टिशनर था, अकाउंटेंट था, तो पूरे रिपोर्ट में कहीं भी ऑडिटर वर्ड यूज़ मत करना। इन चीज़ों का ध्यान रखोगे। अब फाइनली SAE का जो सीरीज़ है, 30 SAE का जो सीरीज़ है, SAE में अगेन दो तीन स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास, जिसमें मेनली हम लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो काम करेंगे वो नए वाले स्टैंडर्ड में करेंगे, जो रिवाइज स्टैंडर्ड है, नया स्टैंडर्ड है। सबसे पहला SAE 3400 है, एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। आपको याद होगा कोड ऑफ एथिक्स में, कोड ऑफ एथिक्स में आप पढ़ते हो क्लॉज 3 पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल, जिसमें कहा गया है कि ऑडिटर कोई भी ऐसा ओपिनियन नहीं दे सकता जिसमें वो फ्यूचर के एक्यूरेसी के बारे में वाउच करे। लेकिन फिर उसमें वहाँ एक्सेप्शंस दिया गया है कि अगर वो रिपोर्ट में बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन लिखता है, यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन लिखता है, एजम्पशंस बराबर से डिस्क्लोज करता है, तो वो वहाँ पर रिव्यू से कर सकता है। तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया कि एंटिटी एक भविष्य से रिलेटेड फ्यूचरिस्टिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाली है कि आने वाले टाइम में वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी, आने वाले टाइम में वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी। तो क्या अपने को वैसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए? द आंसर इज येस, एंगेजमेंट एक्सेप्ट तो कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करने से पहले अपने को देखना होगा व्हाट इज द यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन, हु आर द यूजर्स, वाट आर द एजम्पशंस दैट आर गोइंग टू बी फॉलोड। आखिर क्या यूज़ है, यूजर्स कौन है, एजम्पशंस कौन से फॉलो होने वाली है, और 210 के हिसाब से हम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंटर कर लेंगे। 210 के हिसाब से हम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंटर कर लेंगे, राइट। इसका जो रिपोर्ट बनेगा, इस रिपोर्ट में भी टाइटल होगा, एड्रेसी होगा, आइडेंटिफिकेशन वाला पैराग्राफ होगा, एक स्टेटमेंट देंगे दैट द PFI हैज बीन प्रिपेयर्ड हैज एज पर दिस SAE 3400, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है इसके यूज़ के लिए, सब कुछ बता देंगे हम, और ओपिनियन पैरा दे देंगे, नेगेटिव एश्योरेंस आएगा यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे रिपोर्टिंग की बात की गई है। अब इसमें हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया बिकॉज अब आने वाले दो तीन अटेम्प्ट्स के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा जो नया स्टैंडर्ड आया है SAE 3420, जो नया स्टैंडर्ड आया है SAE 3420, ये हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एश्योरेंस एंगेजमेंट्स टू रिपोर्ट ऑन द कंपाइलेशन ऑफ प्रो फर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, प्रो फर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब इस स्टैंडर्ड को पढ़ते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना, जैसे कि इस स्टैंडर्ड में हम मैनेजमेंट को मैनेजमेंट नहीं बुलाएंगे, हम मैनेजमेंट को बुलाएंगे रिस्पॉन्सिबल पार्टी। सिमिलरली हम ऑडिटर वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम वर्ड यूज करेंगे प्रैक्टिशनर। और एक इस स्टैंडर्ड के अंदर जो की वर्ड यूज होगा, बार बार यूज होगा, वो यूज होगा एप्लीकेबल क्राइटेरिया। अब क्या मतलब है, क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि जब कंपनी IPO निकालती है, जब कंपनी IPO निकालती है, अब मान लीजिए कंपनी IPO निकाल रही है, लेकिन IPO से ठीक कुछ टाइम पहले कंपनी ने कुछ एक्विजिशन किया है, कंपनी ने कुछ मर्जर्स करे हैं। अब जब कंपनी IPO निकालती है, कंपनी IPO के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू करती है, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उस एक्विजिशन का इम्पैक्ट नहीं आ रहा होगा, उस एक्विजिशन का इम्पैक्ट नहीं आ रहा होगा। तो इसलिए कहा गया है कि आप प्रॉस्पेक्टस के साथ साथ, प्रॉस्पेक्टस के साथ साथ एक प्रो फर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सेंड करो, प्रॉस्पेक्टस के साथ साथ एक प्रो फर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सेंड करो, जिसमें क्या होगा, जिसमें इम्पैक्ट आएगा, उस एक्विजिशन का इम्पैक्ट भी हम लोग इंसर्ट कर देंगे, उस एक्विजिशन का इम्पैक्ट भी हम लोग इंसर्ट कर देंगे उस प्रो फर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में, और एक कंपैरेटिव बेसिस में इन्फॉर्मेशन देंगे कि हैड द एक्विजिशन बीन डन लास्ट ईयर व्हाट वुड हैव बीन द इम्पैक्ट ऑन द की रेशियोज, एंड व्हेन द एक्विजिशन इज डन टुडे व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन की रेशियोज। तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट देंगे कि हैड द एक्विजिशन बीन डन लास्ट ईयर व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ की रेशियोज, एंड बिकॉज द एक्विजिशन इज डन टुडे व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑन द की रेशियोज। दोबारा से मैं कह रहा हूँ, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी कंपनी IPO निकालती है, जब भी कंपनी IPO निकालती है, FPO निकालती है, शेयर इशू करती है, शेयर इशू करती है, तो क्या होता है, प्रायर टू दैट कंपनी में मेक ए नंबर ऑफ एक्विजिशंस, जैसे यहाँ पे मॉड्यूल में लिखा है, द एंटिटी में एक्वायर ए नंबर ऑफ बिजनेस प्रायर टू IPO, इन सच सर्कमस्टेंसेज द रिस्पॉन्सिबल पार्टी
मैं चूज टू प्रेजेंट ए प्रो फर्मा नेट स्टेटमेंट टू इलस्ट्रेट द इम्पैक्ट ऑफ एक्विजिशन, कि भैया एक्विजिशन का इम्पैक्ट क्या है हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एंड की रेशियोज में, सच एज द डेप्थ इक्विटी रेशियो. हैड द एक्विजिशन बिन डन एट ए अर्लियर डेट, हैड द एक्विजिशन बिन डन एट ए अर्लियर डेट. तो इसी चीज के लिए वो क्या करेगा, प्रो फर्मा इन्फॉर्मेशन बनाएगा. अब ये प्रो फर्मा इन्फॉर्मेशन के ऑडिटर बनाने वाला है, द आंसर इज नो. ये प्रो फर्मा इन्फॉर्मेशन तो मैनेजमेंट बनाने वाला है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी बनाने वाला है. कंपाइलेशन का काम सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल पार्टी का है, कंपाइलेशन का काम सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल पार्टी का है. मैं तो सिर्फ ये चेक करने वाला हूं, मैं यानी प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर सिर्फ ये चेक करने वाला है कि जो कंपाइलेशन है वो एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से है या नहीं है. मैं यानी प्रैक्टिशनर सिर्फ ये चेक करने वाला हूं कि जो कंपाइलेशन है वो एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से है या नहीं है. तो कंपाइलेशन ऑफ प्रो फर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, रिस्पॉन्सिबल पार्टी रिस्पॉन्सिबल होगा. और इसमें तीन स्टेप्स इंक्लूड होंगे, तीन स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे. स्टेप नंबर वन, आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ द अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. सबसे पहले मैंने अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, उसके लिए मुझे उसका सोर्स आइडेंटिफाई करना है. सोर्स आइडेंटिफाई कर लिया, अब मुझे एक्सट्रैक्ट कर लेना है. फिर उसमें मुझे एडजस्टमेंट्स करने हैं. क्या करने हैं, एडजस्टमेंट्स करने हैं, एडजस्टमेंट्स करने हैं. मेक द प्रो फर्मा एडजस्टमेंट जो कि एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से होना चाहिए. और फाइनली मेरे को उसे डिस्क्लोज करना है, फाइनली मेरे को उसे डिस्क्लोज करना है. तो तीन स्टेप्स है कंपाइलेशन में. सबसे पहले मैंने अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के सोर्स को उठाया, वहां से उसे एक्सट्रैक्ट किया, फिर मैंने एडजस्टमेंट्स करे, मैंने उसे डिस्क्लोज करा. नाउ एज ए प्रैक्टिशनर मुझे क्या करना है, मुझे रीजनेबल एश्योरेंस देना है. मुझे क्या करना है, रीजनेबल एश्योरेंस देना है कि whether the applicable criteria is used, whether the adjustments are as per the applicable criteria. मुझे क्या करना है, इस बारे में सिर्फ और सिर्फ एक रिजनेबल एश्योरेंस देना है, सिर्फ और सिर्फ एक रिजनेबल एश्योरेंस देना है, सिर्फ और सिर्फ एक रिजनेबल एश्योरेंस देना है. अब देखना, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, तीन स्टेप्स हैं. सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द सोर्स. अब मेरे को चेक करना है कि ये जो सोर्स था, ये सोर्स बराबर है कि नहीं है, ये सोर्स बराबर है कि नहीं है. क्या मैं सोर्स पर रिलाई कर सकता हूँ, क्या ये FRF के हिसाब से है, और क्या इसके कैलकुलेशंस अरिथमेटिकली करेक्ट हैं. तो मेरे को सोर्स चेक करना है, क्या मैं सोर्स रिलाई कर सकता हूँ, क्या ये फैक्चुअली सपोर्टेबल है, क्या FRF के हिसाब से है, क्या इसके कैलकुलेशंस अरिथमेटिकली करेक्ट हैं. तो ये हो जाएगा स्टेप वन ऑफ द चेकिंग ऑफ प्रैक्टिशनर, ये हो जाएगा स्टेप वन ऑफ प्रैक्टिशनर्स चेकिंग, दैट इज सोर्स को चेक करना. अब अगला स्टेप क्या दिया था यहाँ पे, प्रो फर्मा एडजस्टमेंट्स. तो मेरे को क्या करना है, अब मेरे को चेक करना है एज ए प्रैक्टिशनर कि वेदर दिस एडजस्टमेंट्स आर एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया. क्या चेक करना है मेरे को, वेदर दी एडजस्टमेंट्स आर एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया. दैट इज प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू रिपोर्ट वेदर द प्रो फर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हैज बिन कंपाइल्ड एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया. अब थर्ड क्या था, प्रेजेंटेशन. मेरे को अब डिस्क्लोजर चेक करना है. क्या चेक करना है, डिस्क्लोजर चेक करना है, प्रेजेंटेशन का पार्ट चेक करना है. प्रेजेंटेशन में क्या चेक करूंगा, प्रेजेंटेशन में ये चेक करूंगा वेदर द ओवरऑल प्रेजेंटेशन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द हिस्टोरिकल, वेदर द प्रेजेंटेशन इज नॉट मिसलीडिंग, वेदर एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स आर प्रोवाइडेड टू इनेबल द यूजर्स टू अंडरस्टैंड, वेदर एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स आर प्रोवाइडेड टू इनेबल द यूजर टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे चेक करनी है. लेकिन चेक करने का सवाल तो बाद में आता है. मैंने तो सबसे अभी तक मैंने क्या पढ़ा, मैंने पढ़ा कि इस प्रोफॉर्मा इन्फॉर्मेशन को बनाने के लिए तीन स्टेप्स लगेंगे. दैट इज सबसे पहले अपन रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल पार्टी सोर्स को उठाएगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, एडजस्टमेंट्स करेगा, डिस्क्लोज करेगा, और उसी तीन चीज़ के बारे में हमने चेकिंग करी. अब सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या इस एंगेजमेंट को मैं एक्सेप्ट कर भी सकता हूँ कि नहीं, क्या इस एंगेजमेंट को मैं एक्सेप्ट कर भी सकता हूँ कि नहीं, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर एक्सेप्टिंग द एश्योरेंस एंगेजमेंट. तो सबसे पहले मैं देखूंगा क्या मैं उतना कॉम्पिटेंट हूं, क्या मैं उतना कैपेबल हूं, क्या मुझे इस बारे में नॉलेज है. मैं देखूंगा एप्लीकेबल क्राइटेरिया सुटेबल है या नहीं है. अगर एप्लीकेबल क्राइटेरिया मेरे को लगता है सुटेबल नहीं है तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा. नाउ व्हाट इज दिस एप्लीकेबल क्राइटेरिया. नॉर्मली एप्लीकेबल क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब करेगा एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि इंडिया में है, सेबी, इंडिया में है सेबी. और अगर एप्लीकेबल क्राइटेरिया उस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नहीं प्रिस्क्राइब कर रखा, तब मैनेजमेंट उस एप्लीकेबल क्राइटेरिया को अपने हिसाब से अडॉप्ट करेगा. तो अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने प्रिस्क्राइब कर रखा है तो ऑब्वियस सी चीज़ है, वो हमेशा एक्सेप्टेबल होगा. लेकिन जहां मैनेजमेंट ने खुद वो एप्लीकेबल क्राइटेरिया अडॉप्ट किया है, तब मेरे को चेक करना है कि वो सुटेबल है कि नहीं है. फिर मैं ये चेक करूंगा जो सोर्सेस थे, वो रिलायबल थे कि नहीं थे जहां से इसे एक्सट्रैक्ट किया गया था.
और फाइनली मैं देखूंगा कि मान लो कि अगर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का ऑडिट ही नहीं हुआ था, अगर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट ही नहीं हुआ था, रिव्यू ही नहीं हुआ था, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ऐसे असाइनमेंट को एक्सेप्ट करना, बिकॉज सोर्स के ऊपर सवाल उठ जाएगा। तो मेरे को यह चेक करना है कि अगर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का कभी ऑडिट नहीं हुआ था या रिव्यू नहीं हुआ था, तब भी क्या प्रैक्टिशन अंडरस्टैंडिंग ले पाएगा क्या, तब भी क्या प्रैक्टिशन अंडरस्टैंडिंग ले पाएगा क्या। तो ऐसे एश्योरेंस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले मैं चार चीज़ें देखूंगा, मेरी कॉम्पिटेंस देखूंगा, कैपेबिलिटी देखूंगा, ये देखूंगा एप्लीकेबल क्राइटेरिया सुटेबल है कि नहीं है, सोर्स रिलायबल है कि नहीं है, अगर एंटिटी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं हुआ था तो उसके बाद भी मैं अंडरस्टैंडिंग ले पाऊंगा क्या, तभी मैं डिसाइड करूंगा मेरे को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। अब ये जो रिपोर्ट बनेगा, ये जो एश्योरेंस रिपोर्ट बनेगा, रिपोर्ट कैसे बनेगा, बिल्कुल कॉमन, सबसे पहले टाइटल, एड्रेसी, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। लेकिन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या बताएंगे, यहाँ पे प्रो फर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बातें हो रही हैं, यहाँ पे एक एप्लीकेबल क्राइटेरिया की बातें हो रही हैं, रिस्पॉन्सिबल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फिर नॉर्मली स्टेटमेंट मैनेजमेंट का जाता था, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्टेटमेंट जाता था, यहाँ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, फिर जाएगा स्टेटमेंट ऑफ द प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर एक स्टेटमेंट जाएगा कि हमने जो ये एश्योरेंस एंगेजमेंट किया है ये ऐसे ही 3420 के हिसाब से किया है, यहाँ पे एप्लीकेबल क्राइटेरिया पूरी हुई है। फिर एक ओपिनियन पैराग्राफ जाएगा, ओपिनियन पैराग्राफ में वही मॉडिफिकेशन, अनमॉडिफिकेशन, ईओएम, ओएम, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, एंड देन द सिग्नेचर, एंड देन द डेट एंड प्लेस। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इस स्टैंडर्ड में आ जाएंगी, ये सारी चीज़ें इस स्टैंडर्ड में आ जाएंगी, दैट इज़ ऐसे ही 3420, ऐसे ही 3420। तो टाइम बहुत कम था, बहुत कम टाइम पे के अंदर हमने ट्राई किया है, कोशिश करी है कि सारे स्टैंडर्ड्स को बहुत इफेक्टिवली रिवाइज कर सकें। लास्ट चीज़ एक और, मैंने आपको एक तो प्रेजेंटेशन का तरीका बताया था, क्वेश्चंस आप पीएम के बराबर से प्रैक्टिस करोगे इस वीडियो को सुनने के बाद। अब स्टैंडर्ड्स का नाम नंबर आपको मैंने बताया था, अगर याद नहीं भी है तो ऑर्डिनेटिव प्रेजेंटेशन, एक आपको तरीका भी बताता हूँ साथ में कैसे याद कर सकते हो, सारे स्टैंडर्ड्स तो नहीं बट कुछ स्टैंडर्ड्स कैसे याद कर सकते हो। जैसे यूजिंग द वर्क बहुत सिंपल है, चार स्टैंडर्ड्स हैं अलग से याद हो जाएगा। कम्युनिकेशन बहुत सिंपल है, अलग से याद हो जाएगा। अब 200 का सीरीज आप कैसे याद कर सकते हो, एज ए ऑडिटर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, एज ए ऑडिटर मेरा ऑब्जेक्टिव है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंटर करना, क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखना, डॉक्यूमेंटेशन करना। एज ए ऑडिटर मेरा ऑब्जेक्टिव है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंटर करना, क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखना, डॉक्यूमेंटेशन करना। डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त मेरे को दो चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है, फ्रॉड के बारे में डॉक्यूमेंटेशन करना है और लॉस के कंप्लायंस के बारे में डॉक्यूमेंट करना है। तो 200 से 250 का एक सिक्वेंस आ गया, 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, 210 टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, 220 क्वालिटी कंट्रोल, 230 डॉक्यूमेंटेशन, 240 फ्रॉड के बारे में है, 250 नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉस के बारे में है। 300 का सीरीज याद करना बहुत सिंपल होता है, बिकॉज 315 में मेरे को रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, 330 में रिस्पॉन्ड करना है, 320 मेट्रोलिटी। अब 500 का सीरीज जो है ऑडिट एविडेंस के बारे में है, नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट 500 का रेफरेंस नहीं बोलता जो कि ऑडिट एविडेंस के बारे में है। 501 भी ऑडिट एविडेंस के बारे में है बट स्पेसिफिकली वहां पे आइटम्स कवर्ड है, 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, 510 ओपनिंग बैलेंसेस एंड 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब एनालिटिकल प्रोसीजर्स में मैंने क्या किया था, कंपैरिजन किया था। अब मान लीजिए एक मिस्टर पप्पू है, मिस्टर पप्पू ने कंपैरिजन किया कि उसकी गर्लफ्रेंड पप्पू को, उसकी जो गर्लफ्रेंड है, उसके दोस्तों ने कंपेयर किया कि पप्पू की गर्लफ्रेंड पिछले साल उसे बहुत टाइम देती थी, बिल्कुल टाइम नहीं देती। कंपैरिजन किया, शक होगा कि नहीं होगा, होगा। अब उन्होंने सैम्पलिंग बेसिस में उसे चेक करना चालू करा, और जब सैम्पलिंग बेसिस में चेक करना चालू किया तो पप्पू को बोला, बेटा तू अभी से एस्टिमेट बना ले कि तेरे रिलेटेड पार्टी तुझे सब्सिक्वेंटली छोड़ के जाने वाली है, जिसके वजह से तेरा गोइंग कंसर्न खतरे में आ सकता है। यानी 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स, 530 सैम्पलिंग, 540 एस्टिमेट, 550 रिलेटेड पार्टीज, 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स, 570 गोइंग कंसर्न। तो क्या बोला मैंने, सबसे पहले क्या हुआ, पप्पू की गर्लफ्रेंड पिछले साल उसे टाइम नहीं देती थी, इस साल नहीं दिया, तो उसके दोस्तों ने क्या बोला, शक हुआ उनको, बोला सैम्पलिंग बेसिस में चेक करना चालू करा, और फिर बोला, जब सैम्पलिंग बेसिस में चेक करना चालू करा तो फिर बोला, बेटा तू अभी से एस्टिमेट बना ले कि तेरी रिलेटेड पार्टी सब्सिक्वेंटली तुझे छोड़ के जा सकती है, गोइंग कंसर्न तेरा खतरे में आ सकता है, इसलिए तू अभी से राइटिंग में स्टेटमेंट ले ले। तो ये पूरा आप याद कर सकते हो, फ्लो 540 से 580 तक का बीच का, 520 से 580, यू कैन रिमेंबर इन दिस वे, क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कुछ स्टैंडर्ड्स याद कर सकते हो। अब जिस तरीके से हमने स्टैंडर्ड्स को पूरे यहाँ पे रिवाइज करा है, उस तरीके से जैसे यहाँ तो हमने सिर्फ स्टैंडर्ड्स रिवाइज करा है, बट एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है जो मेरा चलता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप।
अब व्हाट्सएप ग्रुप के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ऑपरेट होते हैं, और उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर व्हाट आई डू इज़ आई एंसर द क्वायरीज ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी पॉसिबल हो पाते हैं, एंड उसके अलावा क्वायरीज के अलावा क्या करता हूँ मैं कि वॉइस क्लिप्स का कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ करा है. आई शेयर वॉइस क्लिप्स जिसके अंदर मान लीजिए पूरे स्टैंडर्ड्स 1.5 घंटे में, कंपनी ऑडिट आधे घंटे में, कोड ऑफ एथिक्स 15 मिनट में, कि आप क्या करो आप वॉइस क्लिप्स को सुनते रहो, बार बार सुनते रहो, और आपका ऑडिट हमेशा आपके माइंड में फ्रेश रहेगा. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट आई हैव यूज्ड. तो जो भी स्टैंडर्ड, जो भी स्टूडेंट उस वॉइस क्लिप के कॉन्सेप्ट में इंटरेस्टेड हो, तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे 7838061193 के अंदर कि आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दी व्हाट्सएप ग्रुप. तो वहां से आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट. एंड आपको कुछ और क्वायरीज भी है, कुछ असिस्टेंस चाहिए ऑडिट के रिगार्डिंग, तो जितना भी पॉसिबल हो आई विल बी ट्राइंग कि मैं आपको असिस्ट करूं टिल दी एग्जाम्स. ओके, सो उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा. अब आप क्या करो, अच्छे से इसे रिवाइज करो. अगर आपको स्टैंडर्ड्स के नोट्स अभी तक नहीं मिले हैं तो अगेन आप ये ग्रुप में ज्वाइन करोगे या मुझे इस नंबर पर मैसेज करोगे तो स्टैंडर्ड्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे. क्लियर है? तो होपफुली स्टैंडर्ड्स आपका थोड़ा सा कंपाइल हुआ होगा, थोड़ा सा आप और अच्छे से उसे रिटेन कर पाए होगे. बट अगेन, अगर कोई बच्चा पहली बार जिंदगी में स्टैंडर्ड कर रहा है और ये वीडियो देख रहा है तो शायद उसे वहाँ पे परेशानी हो सकती है. सो ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड मुझे बिल्कुल यकीन है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि आप लोग सब बहुत अच्छा करने वाले हो. सो ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट.